All of you ready? Audio video clear? Good morning, friends. A very, very good morning and welcome to Sunday lecture for the first time in our batch. And जो लोग यहाँ present है, मैं आपको बोलता हूँ, आपके side से सिर्फ यही dedication चाहिए. Every day पहुँचो. और देखते देखते आपका time बन जाएगा. ठीक है? चलिए. तो यहाँ पर जितने भी लोग प्रेजेंट है, अच्छा शिवा को बोलना ऐप में वीडियो नहीं दिख रहा है, एक बार वीडियो देख लो. और ऑडियो भी नहीं आ रहा है, ये लो. ऑडियो वीडियो नहीं आ रहा है इनको ऐप में. ठीक है, वेट फॉर वाइल. साहिल आई रियली डोंट नो कितना टाइम लगेगा, बट अप्रोक्सीमेटली मुझे लगता है मेरे अंदाजे से 5:45 से 6 के बीच हम लोग फ्री हो सकते हैं. 6 o'clock के पहले हम लोग फ्री हो जाएंगे. ठीक है. अर्नव सिंह, टिल 15th इज माय सिस्टर्स वेडिंग रिचुअल्स फंक्शंस, कैन वी कीप इट ऑन यूट्यूब दैट डे सर? प्लीज 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 सर. क्या आप मजाक करते ये लोग भाई. अर्नब तेरे घर शादी है, ऐसा किसी और के घर शादी रहेगा, किसी और के घर फंक्शन रहेगा, मेरा पूरा बैच यूट्यूब पर हो जाएगा. चलिए, भूपेंद्र जोगी होमवर्क किया क्या आपने? क्वेश्चनियर बुक सॉल्व करना था आपको टेलीग्राम पर रात में, इवनिंग में टू बी मोर प्रिसाइज. टेलीग्राम पर इवनिंग में मैंने दोनों चैप्टर के क्वेश्चनियर डाल दिए थे. फर्स्ट चैप्टर के तो खैर सेम ही क्वेश्चंस है, बट सेकंड चैप्टर यस यू वर सपोज टू सॉल्व 13 क्वेश्चंस. कब बोला था मैडम? आपको मैसेज कर देते हम अगर आप बोलते तो. बोला था यार, ऐसे क्या कर रहे हो? शिल्सा गौरी, थोड़ा इंटरनेट अच्छा रखो, सबको क्लैरिटी आ रही है, सबको ब्लर नहीं दिखता है, ऐप क्लियर है. ठीक है, तो थोड़ा सा इंटरनेट का इश्यू रह सकता है आपके साइड से, तो कभी कभी आपकी जो ऐप की क्वालिटी है वो थोड़ा सा लो हो जाती है. होमवर्क कितने थे? 2. ऐप में दिख रहा है अभी? आज बहुत क्लियर है, बढ़िया है. कुछ लोग बोल रहे लैग है. भाई लैग नहीं है यार, तुम्हारे साइड से लैग रहता है वो. ठीक है, चलिए लेट अस क्विकली बिगिन. एंड हम लोग आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं. सब लोग फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15. बाय द वे, टुडेज सेशन इज द लास्ट सेशन ऑन यूट्यूब, टुमारो इट विल बी कंप्लीटली ऑन ऐप ओनली. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग विथ न्यू टॉपिक टुमारो. तो बीटा का कंसेप्ट एक बार रिवाइज कर लेते. बीटा इज द सेंसिटिविटी ऑफ आवर स्टॉक विथ रिस्पेक्ट टू मार्केट इंडेक्स. मार्केट का इंडेक्स मतलब सेंसेक्स निफ्टी, ये जब बदलता है तो अपना स्टॉक कितने से बदलेगा, इसका रिलेशनशिप निकालने वाले फैक्टर को क्या बुलाते हैं? बीटा. ओके, सो बीटा का नाम बीटा ही क्यों है? आई टोल्ड यू यस्टरडे, फास्टेस्ट चेंजिंग वैल्यू है, इसलिए उसे बीटा बोलते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हमने बोला था कि सेंसेक्स कैसे निकलता है, कैलकुलेट होता है, निफ्टी कैसे कैलकुलेट होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. तो गाइस, सेंसेक्स कैसे निकलेगा? सेंसेक्स किस मार्केट का इंडिकेटर है? बीएससी. इतना तो सबको पता है, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ बीएससी. नाउ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हजारों कंपनियां लिस्टेड है, तो पूरा मार्केट जब ऊपर है बोलते हैं अपन, मार्केट ऊपर है मार्केट नीचे, इसका मतलब कंपनी सभी ऊपर या सभी नीचे नहीं होती है,
यहां पर टॉप 30 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है, टॉप के 30 कंपनीज जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है उनको सिलेक्ट किया जाएगा, जो ऑब्वियसली अलग अलग इंडस्ट्रीज से रहेंगे, और उनका वेटेड एवरेज, उनका वेटेड एवरेज जो निकलेगा उसे हम बुलाते हैं सेंसेक्स। तो जैसे सेंसेक्स में हर किसी स्टॉक को अलग एक वेट दिया हुआ है डिपेंडिंग ऑन वो कंपनी का कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, और उसमें मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज फ्री फ्लोट। क्या बोलते बोलो? फ्री फ्लोट। उसके बेसिस पर आपका ये जो वेट है वो डिसाइड होता है। व्हाट इज फ्री फ्लोट सर? सपोज एक कंपनी है, कंपनी के पास जितने भी शेयर्स है उसमें से प्रमोटर का होल्डिंग अगर निकाल दिया जाए तो मार्केट में जितने शेयर्स ट्रेड करते हैं उसे बोलते हैं फ्री फ्लोट। बोलो एक बार, फ्री फ्लोट क्या होता है? पूरे शेयर्स में से प्रमोटर्स होल्डिंग निकाल दो, जितने भी अब मार्केट में शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं उसे हम बुलाएंगे फ्री फ्लोट। समझ गया? जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ फ्री फ्लोट ज्यादा है उसको वेटेज ज्यादा है। तो ऐसा है कि मेरी कंपनी सपोज प्रमोटर होल्डिंग मैक्सिमम है, हार्डली कुछ शेयर्स बाहर लिस्ट में मतलब पब्लिक के पास है, बाकी सब मेरे पास ही है, मेरी कंपनी का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज्यादा है, तो क्या मेरे शेयर्स वहां पर इंडिकेटर में जाने जरूरी है या उसको ज्यादा वेट मिलना जरूरी है क्या? नहीं, दैट इज नॉट द क्राइटेरिया। पब्लिक के पास आपके शेयर्स ज्यादा होने चाहिए, दैट इज द क्राइटेरिया। समझे? इसको क्या बोलते हैं? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। बाय द वे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज नथिंग बट मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, जिसको आप लोग कॉमनली मार्केट कैप के नाम से जानते हो, मार्केट कैप के नाम से जानते हो। समझा क्या सबको? यस। कोई बात नहीं, जिनको ऐप में प्रॉब्लम आ रहा है, वीडियो अटक रहा है, तो आप यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है? वीडियो अटक ही गया, एक्चुअली अटक अटक के चल रहा है वीडियो। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। जिनको भी आज ऐप में प्रॉब्लम आ रहा है आप डायरेक्टली यूट्यूब पर चले जा सकते हो, ठीक है? इंद्रजीत बोल रहे लाइक किसी पब्लिक कंपनी था फ्री, यस, तो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन कंसेप्ट क्लियर? अच्छा, मार्केट के अंदर जितने भी शेयर्स लिस्टेड है सबको वेट्स मिलेगा क्या? नहीं, टॉप 30 कंपनीज को मिलेगा, और उनके वेटेड एवरेज को हम क्या बुलाएंगे? मार्केट कैपिटलाइजेशन। और उसके अंदर भी पब्लिक के पास जो शेयर्स रहते हैं उसको फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन। वेट किसके अनुसार रहते हैं? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन के अनुसार रहते हैं। तो इनके वेटेड एवरेज को हमने बुलाया सेंसेक्स। जैसे इसको सेंसेक्स बुलाया वैसे ही निफ्टी नाम का भी एक कंसेप्ट है। किस चीज का इंडिकेटर है वो? NSE का इंडिकेटर है। एंड व्हाट इट सेज, टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उनका एवरेज, और उसी को हम बुलाते हैं निफ्टी। इसलिए उसके नीचे 50 लिखा रहता है, निफ्टी के नीचे 50 लिखा रहता है, आपने देखा रहेगा तो कभी, निफ्टी 50। और इसके अंदर भी क्राइटेरिया सेम ही है, टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड ऑन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उसका वेटेड एवरेज निफ्टी कहलाया जाता है। जैसे निफ्टी और सेंसेक्स आपको पता है, वैसे ही बैंक निफ्टी नाम का भी एक कंसेप्ट होता है, तो वो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए, समझे? तो ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं। तो अपन पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं एनएससी बीएससी के इंडिकेटर्स की, सेंसेक्स निफ्टी की। तो इनका रिलेशनशिप और मेरे स्टॉक का रिलेशनशिप को मेजर कौन कर रहा है? बीटा मेजर कर रहा है। आर यू क्लियर, वेरी क्लियर अबाउट बीटा? यस। तो कल हमने एग्जाम्पल लिया था कि सेंसेक्स 10% नीचे आएगा, मेरा स्टॉक 25% नीचे आएगा, तो मेरे स्टॉक का बीटा बन गया 2.5 times। मेरा स्टॉक का रिस्क मार्केट से ज्यादा है, ऑब्वियसली मुझे रिटर्न्स भी मार्केट से ज्यादा चाहिए,
मार्केट अगर 11% रिटर्न दे रहा है तो मेरा स्टॉक का रिटर्न 11 से ज्यादा चाहिए, कॉमन सेंस। ये सब आप लोग आगे के चैप्टर में सीखोगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। देयर इज अ कांसेप्ट कॉल्ड एज सीएपीएम अप्रोच, जब वहां पर आएगा तो मैं आपको यहां का रिलेवेंस समझाऊंगा, डोंट वरी। उस बहाने यहां का रिविजन भी हो जाएगा, ठीक है। सेकेंडली, सेंसेक्स अगर 10% से नीचे आता है, मेरा स्टॉक सिर्फ 5% से आता है तो 0.5 का बीटा हो गया, मेरा रिस्क मार्केट से कम तो मेरा रिटर्न भी मार्केट से कम ही रहेगा obviously। एंड लास्ट केस में मेरा रिस्क और मार्केट का रिस्क इक्वल है क्योंकि बीटा वैल्यू 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा जो रिटर्न है वो इक्वल टू मार्केट होना चाहिए, करेक्ट। क्या ये बातें आपको याद रहेगी आगे तक? वेरी गुड। अब बताएंगे होमवर्क कौन सा था आपका, 3 and 12। ऑल ऑफ यू फर्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3, अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। श्रेया सिंह सर, क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन फर्स्ट स्ट्रोक में ही करेक्ट आ गए सभी, 1.15 आवर्स में। कितना टाइम लगा आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में? 45 मिनट से एक घंटे से डेढ़ घंटा, किसी को 1.5 आवर के ऊपर लगा रहेगा, 2 घंटा नहीं लगा, 2 आवर्स लग गए आपको भी, 2 आवर्स इधर किसी को सॉल्व किया रहेगा तो पता चलेगा, सॉल्व किया क्या पीछे, कितना टाइम लगा आपको? नहीं सॉल्व किया, दोनों चैप्टर का किया, वो तो फर्स्ट चैप्टर सेम ही थे, फर्स्ट चैप्टर का तो सेम ही था, सेकंड का अलग था, ठीक है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज एंड डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज फॉर दिस फर्म्स, एंड क्या लिखा है, इंटरप्रेट द रिजल्ट्स। तो आपको रिजल्ट्स भी इंटरप्रेट करने आए क्या? नहीं, कमेंट नहीं लिखे, साथ में पास करेंगे, ठीक है। आउटपुट दिया है यूनिट्स में, फिक्स कॉस्ट दिया है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, इंटरेस्ट के एक्सपेंस का अमाउंट दिया है, यूनिट सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, क्या करोगे बताओ? बोलिए, इनकम स्टेटमेंट डायरेक्टली। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेल्स एट द रेट, अच्छा अलग अलग है तो फिर एट द रेट नहीं बोल सकते हम लोग, सेल्स का अमाउंट है, आउटपुट इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट 3 लाख इंटू 3 रुपीज, 9 लाख रुपीज एवरीवन। सेकेंड केस, 75,000 इंटू 25, 18,75,000। थर्ड केस, 5 लाख इंटू 0.5, 2,50,000। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, फर्स्ट केस इट विल बी 3 लाख इंटू 1 रुपी विदाउट केएलसी, 3 लाख। तो बचा हुआ अमाउंट 6 लाख्स, व्हाट यू विल कॉल दिस कॉन्ट्रीब्यूशन। सेकेंड सिनेरियो, इट विल बी 75,000 इंटू 7.5, 5,62,500, वेरी गुड। बचा हुआ अमाउंट 13,12,500। लास्ट सिनेरियो, 5 लाख इंटू 0.1, 50,000, रिमेनिंग अमाउंट 2 लाख्स। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? माइनस किया आपने फिक्स कॉस्ट तो मिला आपको ईबीआईटी, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में प्रिंटेड है, 3,50,000। लेस कर लो कितना मिलेगा, 2,50,000। सब लोग सेकेंड केस में 7 लाख्स, लेस कर दो कितना मिलेगा, 6,12,500। लास्ट केस इट विल बी 75,000, रिमेनिंग अमाउंट विल बी 1,25,000। लेस करेंगे इंटरेस्ट, जिसे फिक्स कॉस्ट भी गिवन था वैसे इंटरेस्ट भी गिवन है, फर्स्ट केस 25,000, सो ऑब्वियसली योर रिमेनिंग अमाउंट इज
225, you will call this as EBT. And friends, second case interest is 40,000. Remaining amount is 572,500. Last case, nil. The answer will be 1,25,000. Everybody. टैक्सेशन है क्या? नहीं, ईबीटी तक सब फाइनल है. इधर तक ही आंसर था. डीओएल निकालना है, डीएफएल एंड डीसीएल, तीनों का फॉर्मूला लिखा आपने. कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी. आई होप कि आपने सीरियल नंबर वगैरह डाल के किया रहेगा अच्छे से. एंड लास्ट केस में डीओएल इंटू डीएफएल. तो आपके आंसर्स जो है ए लिमिटेड के 2.4, 1.11, 2.67. सही है क्या एवरीवन? सही है, करेक्ट है, करेक्ट है. सब लोग ऑनलाइन में भी वेरी गुड. नेक्स्ट बी लिमिटेड के केस में आपका आंसर 2.14, 1.0 सेवन. लास्ट केस 2.29. लास्ट केस 1.6. हेड डाउन अलाउड नहीं है, नहीं तो तू मार खाएगा. अभी तक तो क्लास शुरुआत भी नहीं हुई, होमवर्क चल रहे हैं. होमवर्क किया क्या मैडम आपने? चेक कर बाजू में, किया है? करेक्ट आया क्या? चेक कर, सिर्फ देख देख तो थोड़ा अच्छे से. डायरेक्टली हाँ हाँ बोल रहे तुम, करेक्ट है. हाँ ध्यान दे, ध्यान दे. हेड डाउन नहीं होना चाहिए, अगली बार तेरी जिम्मेदारी है. नाउ सी, इंटरप्रेट द रिजल्ट. में रिजल्ट के इंटरप्रिटेशन दो आएंगे, ध्यान से सुनो. कल जो हमने किया था ना, वो इंटरप्रिटेशन पहला वाला रहेगा, जहां पे हम लोग देखते हैं सेल्स कितने, हम लोग देखते हैं प्रॉफिट कितना है, और हम लोग देखते हैं लेवरेज कितना है, करेक्ट. और दूसरा इंटरप्रिटेशन ये भी करेंगे कि कंपनी सी लिमिटेड जो है, उस केस में आपका डीएफएल वन टाइम है. इसका मतलब कंपनी सी लिमिटेड का फाइनेंशियल लेवरेज नहीं है. वन टाइम लेवरेज मीन्स नो लेवरेज. और लेवरेज कैसे मिलेगा उसको? उसको इंटरेस्ट का अमाउंट ही जीरो है. अगर इंटरेस्ट का अमाउंट ही जीरो है, तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल लिवरेज इज ऑल्सो नॉट देयर. तो सर जीरो में फाइनेंशियल लिवरेज क्यों नहीं आता? लिवरेजेस की वैल्यू कभी भी वन से नीचे नहीं होती. जीरो से वन का बीच लिवरेज नहीं आ सकता, लिवरेज नेगेटिव आ जाएगा. लिवरेज वन से आगे आ जाएगा, वन आ जाएगा, बट जीरो से वन के बीच नहीं आता. और अगर है तो कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ है, ठीक है. तो चलिए यहां पर हम लोग कमेंट करेंगे. सबसे पहले कंपनी ए लिमिटेड, ए लिमिटेड इज हैविंग फर्स्ट विल बी ए लिमिटेड. ए लिमिटेड इज हैविंग सेल्स कब तक बोलो, क्या लगता है आपको? मॉडरेट, क्योंकि वो बी से कम है मगर सी से ज्यादा है. प्रॉफिट कब तक? मॉडरेट है. तो लिखो वहां पर ए लिमिटेड इज हैविंग मॉडरेट सेल्स एंड मॉडरेट प्रॉफिट्स. व्हाट अबाउट द लिवरेजेस? ए से, सॉरी, ए का लिवरेज जो है वो बी और सी से, दोनों से ज्यादा है. सो व्हाट डू यू से? हाईएस्ट रिस्क. तो यहां पे हम लिखेंगे ए लिमिटेड इज हैविंग मॉडरेट सेल्स एंड मॉडरेट प्रॉफिट, बट द कंपनी इज हैविंग हाईएस्ट रिस्क सिंस बोथ डीओएल एंड डीएफएल आर हाई. बोथ डीओएल एंड डीएफएल आर हाई. किसके मुकाबले बोल रहे आप? ये बी एंड सी के मुकाबले बोल रहे हैं, ठीक है.
सेकेंड केस आता है बी लिमिटेड का, बी लिमिटेड का केस आता है। बोलो बी लिमिटेड के तक क्या लग रहा है आपको, सेल्स कैसे है हाईएस्ट है और प्रॉफिट कैसा है हाईएस्ट है और लेवरेजेस कैसे मॉडरेट है, परफॉर्मेंस गुड है क्या? यस, यहां पर परफॉर्मेंस गुड है। क्यों? बैलेंस्ड रिस्क के साथ तुम्हें मैक्सिमम रिटर्न्स मिल रही है, यही तो टारगेट है अपना। तो यहां पर हम लिखेंगे बी लिमिटेड इज हैविंग हाईएस्ट सेल्स एंड हाईएस्ट प्रॉफिट्स। इन स्पाइट ऑफ दैट इट इज हैविंग व्हाट मॉडरेट DOL, मॉडरेट रिस्क लिख दो पहले, मॉडरेट रिस्क सिंस बोथ DOL एंड DFL आर मॉडरेट, दस परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, परफॉर्मेंस इज वेरी गुड, जोरदार परफॉर्मेंस है, सही है। नाउ व्हाट अबाउट सी लिमिटेड? सी लिमिटेड का सेल्स सबसे कम है, प्रॉफिट सबसे कम है, लिवरेजेस सबसे कम है, कॉशियस कंजर्वेटिव। कल चार लिवरेज के कॉम्बिनेशन देखे थे अपन ने, वो उस कैटेगरी में आता है। फिर ये कौन सी कंपनी होती है कॉशियस एंड कंजर्वेटिव? जिस कंपनी को रिस्क का एपेटाइट ही नहीं होता है, रिस्क लेने का हिम्मत ही नहीं होता है, उस कंपनी को बोलते हैं कॉशियस एंड कंजर्वेटिव कंपनी। सबको समझ रहा है क्या? तो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर कोई फायदा नहीं है, बिकॉज इनको कोई एडवांटेज नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इस कंपनी ने तो एक और चीज की है, इसने फाइनेंशियल लिवरेज ही नहीं लिया कुछ, बिकॉज फाइनेंशियल लिवरेज का वैल्यू 1 है, मतलब नो फाइनेंशियल लिवरेज। तो यहां पर हम लिखेंगे सी लिमिटेड इज हैविंग लोएस्ट सेल्स एंड लोएस्ट प्रॉफिट्स विथ लोएस्ट रिस्क सिंस DOL एंड DFL बोथ आर लोएस्ट। सी लिमिटेड इज नॉट हैविंग एडवांटेज ऑफ फाइनेंस ऑफ बिजनेस सिंस DFL इज वन टाइम। नो एडवांटेज ऑफ फाइनेंस ऑफ बिजनेस सिंस DFL इज वन टाइम। नजर आ रहा है सबको? सिंस DFL इज वन टाइम, कॉशियस है, कंजर्वेटिव है कंपनी, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, सेल्स भी कम, प्रॉफिट्स भी कम, रिस्क भी कम, ऐसी कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, आपके शेयर की वैल्यू नहीं बढ़ेंगे, समझे क्या? नहीं, आपको लग रहा होगा आप लिख रहे मगर आप नहीं लिख रहे, ठीक है। चलिए डन, यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है? सब लोग मेरे साथ हैं? ओके नेक्स्ट। अच्छा ये बताइए, ये होमवर्क सबने किया न्यूमेरिकली? न्यूमेरिकली सबका करेक्ट है? एंड कमेंट पार्ट में जो कल हमने कमेंट किया था, वैसे आपने सोचा था इसके बारे में? लिखा नहीं बट सोचा आपने, ओके कोई बात।
अगली बार लिख भी देना, एग्जाम में सिर्फ सोच कर मत आना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। माइक ले आगे से। ट्वेल्थ क्वेश्चन का आंसर बोल बेटा। डीटीएल मतलब क्या था? डीसीएल। डीटीएल इज डीसीएल, डिग्री ऑफ टोटल लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, एक ही बात है। सही कि नहीं जयेश? हाँ चलो बताओ, बैठ जाओ बैठ जाओ। What are the amount of sales revenue and fixed cost of operation? हाँ, flow of answer बताओ, कैसे कैसे, पहले क्या निकलेगा, बाद में क्या निकलेगा? पहले मैंने EBIT निकाला। EBIT निकाला, कौन से formula के? DFL is equal to EBIT divided by EBIT minus interest minus preferential dividend divided by 1 minus tax. Correct है क्या वो? Okay, तो चलो वो निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो DFL is equal to DFL is equal to EBIT divided by, मेरे माइक का आवाज कम हो गया शायद थोड़ा सा, EBIT divided by EBIT minus interest minus PD upon 1 minus tax. आपका DFL कितना टाइम्स है? 2 is equal to EBIT divided by EBIT minus 60,000 60,000 माइनस 40,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा डायरेक्ट बोल दिया, नहीं 16,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 60% 1 माइनस 0.6, देयरफॉर ईबीआईटी इज इक्वल टू 2 लाख। आंसर सबका करेक्ट है क्या? इसका सोल्यूशन का पूरा तरीका हमने क्लास में 2-4 बार डिस्कस किया था, करेक्ट। आगे बोलो, ईबीआईटी तो आ गया, अब क्या किया आपने? फिर डीएफएल का दूसरा इंडिविजुअल फॉर्मूला लिया, ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी, उससे ईबीटी निकाल लिया। डीएफएल का दूसरा फॉर्मूला ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, और उससे उसने ईबीटी निकाल लिया, करेक्ट है क्या वो? गलत है, सरासर गलत है भाई। डीएफएल का दूसरा फॉर्मूला इधर एप्लीकेबल ही नहीं है जो तुम बोल रहे हो। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी इज नॉट अलाउड व्हेन देयर आर प्रेफरेंस शेयर्स। माइक पीछे पास कर दो। हाँ बताइए, माइक ऑन। हाँ हेलो सर, आपने वो डीएटीएल आरडीएफएल दिया है, उससे डीएसएल निकाल लेंगे अगर डीओएल। हाँ डीओएल निकाल लेंगे। डीओएल इज इक्वल टू डीसीएल डिवाइडेड बाय डीएफएल। DFL, DCL कितना? 3 divided by 2. 1.5 times. करेक्ट है? हाँ सर। अब क्या करेंगे? DOL का फॉर्मूला यूज करेंगे, contribution divided by EBIT, उससे contribution निकल जाएगा। Very good. सही है क्या? तो फिर यहाँ पर आएगा DOL is equal to contribution divided by EBIT. कल मैंने 3 बार रिपीट किया था कि EBIT is the connecting link between the two. याद आया क्या? Yes. तो इसलिए just the moment you get your EBIT, think that you can go to DOL. Yes, sir. And you can enter into DOL, मतलब operating part. तो फिर DOL अपना 1.5 है, contribution पता नहीं है, divided by 2 lakh, divided by 2 lakh, contribution comes to 3 lakh rupees. सबका correct आया क्या? Yes, sir. Very good. आगे अब sales से variable cost minus करेंगे is equal to contribution, उससे sales मिल जाएगा. Sales पता नहीं है ना अपने को, what are the sales पूछा उन्होंने? Sir, ये भी रिवर्स जाएंगे। हाँ सर, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज सेल्स। सर बट वेरिएबल कॉस्ट दिया है क्या? यस सर दिया है। दिया है ना, वेरी गुड। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन प्लस वेरिएबल कॉस्ट व्हिच इज इक्वल टू 3 lakh प्लस 2 lakhs। योर आंसर कम्स टू 5 lakhs। 5 lakh का सेल्स। यस सर, बोलिए करेक्ट है क्या? यस सर। और क्या पूछा उन्होंने? फिक्स कॉस्ट पूछा। फिक्स कॉस्ट कैसे निकाला आपने? सर कंट्रीब्यूशन माइनस किया है। कंट्रीब्यूशन सर बैलेंस ही फिगर फॉर्मूले से आएगा, फिक्स कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन इक्वल टू ईबीआईटी, उससे को ये करेंगे सर। फिक्स कॉस्ट माइनस कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन प्लस फिक्स
कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज ईबीआईटी, ईबीआईटी ईबीआईटी और कॉन्ट्रीब्यूशन का डिफरेंस। यस सर, बराबर है कि नहीं? हाँ सर। कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस ईबीआईटी गिव्स यू फिक्स कॉस्ट। यस सर। ये कोई नया फॉर्मूला है क्या? नहीं सर। वो स्टेटमेंट आपने क्या, मैंने क्या बोला आपको कि अगर आपको विजुअलाइज नहीं होता है कि अगला स्टेप क्या रहेगा तो रफ में स्टेटमेंट निकाल लो, ऑटोमेटिकली आंसर मिलते आपको। तो यहां पर हम बोलेंगे देयरफॉर फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस ईबीआईटी, ईबीआईटी योर कॉन्ट्रीब्यूशन इज 3 lakhs, ईबीआईटी इज 2 lakhs, 2 lakhs योर आंसर इज 1 lakh, 1 lakh। बोलिए पूरा करेक्ट है? यस सर। सबका करेक्ट है? यस सर। आसान है? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, सुपर, बढ़िया जा रहे हो। और कोई होमवर्क था? 15th क्वेश्चन बाकी है, 15th क्वेश्चन पे आ जाओ। कल हमने बीटा का कंसेप्ट देखा था, आज हम उसके बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15 जो बोलता है द फॉलोइंग समराइज द परसेंटेज चेंजेस इन द ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी, परसेंटेज चेंजेस इन द रेवेन्यू मतलब सेल्स एंड बीटा फॉर 4 फार्मास्यूटिकल फर्म्स। और ये फर्म्स है जिनके परसेंटेज चेंजेस इन रेवेन्यूज, परसेंटेज चेंजेस इन ऑपरेटिंग इनकम एंड बीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला आपका ऐश्वर्या लिमिटेड, परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू मतलब सेल्स है 27%, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम मतलब ईबीआईटी 25%। प्रैक्टिकली ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा प्रैक्टिकली हो सकता है क्या? लेवरेज के लॉजिक से ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। बोलिए हो सकता है क्या? प्रैक्टिकली नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? एवरी 1% चेंज इन सेल्स विल लीड टू अ ग्रेटर चेंज इन ईबीआईटी, यही तो पढ़ा था अपन ने ऑपरेटिंग लेवरेज में। यहां पे तो भाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स ही ज्यादा है और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी तो कम है। आई टोल्ड यू न्यूमरेटर कभी भी ज्यादा होता है, डिनोमिनेटर कभी भी कम होता है, इसलिए तो लेवरेज के आंसर 1 से नीचे नहीं आते। अनफॉर्चुनेटली इस डेटा की हद तक आएगा, आपको नोट लिखना होगा कि ऐसा अबनॉर्मल डेटा है वो। ठीक है, दूसरा शिल्पा लिमिटेड देख लो या माधुरी लिमिटेड या करीना लिमिटेड देख लो, हर जगह आपका परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू जो है वो कम है और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी जो है वो ज्यादा है। सही है कि नहीं? तो फिर ऐसे सिनेरियो में इसमें आपके सभी के बीटास इजीली आ जाएंगे क्या? इन सभी कंपनी के बीटा बोल रहे हो, डीओएल आ जाएगा क्या? डीओएल, बिकॉज ये सेल्स और ईबीआईटी का डेटा दिया है, इन्होंने डीओएल पूछा है आपको, आ जाएगा? देखो कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ द फर्म, कमेंट ऑल्सो, कमेंट तो वो अपन साथ में पास करेंगे। Use the operating leverage to explain why these firms have different beta. Operating leverage का concept use कर लो और बताओ कि ये firms के beta values अलग क्यों हैं। तो क्या लगता है दोस्तों आपको? पहले beta values आपका DOL निकाल लेते। देखो नीचे format पूरा ready है आपके लिए, सिर्फ format पूरा ready है। ठीक है, तो बस एक काम करना, उस format के ऊपर पहले DOL का formula लिख देना, फॉर्मेट के ऊपर पहले ड्यूएल का फॉर्मूला लिख दो। ड्यूएल इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स मतलब ही रेवेन्यू और ईबीआईटी मतलब ही ऑपरेटिंग इनकम। तो ऐश्वर्या लिमिटेड 27%, यहां पर है 25, ड्यूएल कितना आएगा? 0.925। एंड आप सोच रहे होंगे सर ये 0. कैसे आ गया? आई टोल्ड यू ये अबनॉर्मल डेटा दिया है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्वेश्चन के तक ये गलत इंफॉर्मेशन है।
मगर क्वेश्चन तो आप नहीं दिया ना सर, मेरे मन के क्वेश्चन नहीं हो, या तो पिछले पास्ट एग्जामिनेशन है, एमटीपी है, आरटीपी है, या इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट में से लिया है। श्री बोल रहे सर एक डाउट है, बट वो टाइप करना पॉसिबल नहीं है तो मुश्किल हो जाएगा, आपको कैसे बताऊं सर? एक काम कर लो भाई, मेरा मोबाइल नंबर ले लो, उसी में भेज देना डायरेक्टली। सर एक बार क्वेश्चन नंबर 12 फिर से एक्सप्लेन करो ना सर, कुछ भी मतलब अति एक्सपेक्टेशन हो गई है तो हाँ, फिर से रिवाइंड करके सुन ले तू यूट्यूब पर भाई, एडी एंटरटेनमेंट, कैसे पॉसिबल है यार? उस वक्त बोल दे कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन डिस्कस एक नहीं चार बार कर लेंगे, अभी 12th सॉल्व किए हुए अपने को, अभी जस्ट कितने मिनट हुए, 8-10 साल है। यूट्यूब पर रहेंगे ये लेक्चर्स, डोंट वरी, आप देख लो आराम से, ठीक है, डोंट वरी। और सेकंड केस में क्या होगा, बी लिमिटेड नहीं, शिल्पा लिमिटेड है वो, शिल्पा लिमिटेड के केस में क्या होगा? 25-32 आपका आंसर 1.28 और बीटा वैल्यू दिया है 1.15। माधुरी लिमिटेड 23% 36% 1.57 और आपका बीटा वैल्यू है 1.3। करीना लिमिटेड 21-40 1.90 एंड बीटा वैल्यू है 1.4, ठीक है। तो ये था आपका ओवरऑल DOL का आंसर। दो चीजों ने इन्होंने कमेंट किया तक पूछा है, सबसे पहले DOL पे कमेंट करना है आपको, और दूसरा DOL का और बीटा का रिलेशनशिप पे बात कर रहे हैं वो लोग सेकंड पार्ट में। यूज द DOL टू एक्सप्लेन व्हाई दीज फर्म्स हैव डिफरेंट बीटा। तो सबसे पहले मुझे सिर्फ DOL के बेसिस पर कमेंट बताओ, कौन बताएगा? DOL के बेसिस पर आप क्या कमेंट कर सकते हो? फर्स्ट इसमें रिस्क कम है, बाद में रिस्क बढ़ रहा है क्योंकि आपका DOL बढ़ते ही जा रहा है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, बोलो, माइक लो, माइक किसके पास है, बाजू में पास करो, इधर इधर, बोलो। हेलो, हाँ सर, रिस्क बढ़ते जा रहा है मतलब कंपनी ए के बाद बी से, मतलब ऐश्वर्या लिमिटेड का रिस्क 0.925 मतलब कम है, लो है, फिर और थोड़ा बढ़ा है मतलब मॉडरेट हुआ है, फिर तीसरे का भी मॉडरेट है और चौथे का सबसे हाईएस्ट है। तू बोल रहा है करीना रिस्की है और ऐश्वर्या लिस्ट रिस्की है, वही हुआ ना, DOL ऑफ ऐश्वर्या लिमिटेड इज लीस्ट, तो रिस्क भी सबसे कम, और धीरे धीरे शिल्पा माधुरी एंड करीना लिमिटेड तक जाने तक रिस्क और बढ़ रहा है, बिकॉज इनका DOL बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली इनका रिस्क एलिमेंट भी बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग रिस्क बढ़ रहा है, कैन वी से मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन लोगों का कम हो रहा है, करेक्ट? सो राइट देयर ए पार्ट का कमेंट ऑन DOL, कमेंट ऑन DOL। बाय द वे 12th क्वेश्चन में जिन लोगों ने कोई भी DCL का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय EBT लिया रहेगा, अगर 12th क्वेश्चन जो था ना 12th क्वेश्चन में अगर आपने DCL का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन बाय EBT लिया रहेगा तो गलत है। क्यों गलत है? प्रेफरेंस डिविडेंड, काफी लोग बोल रहे 12th एक बार बताओ। मेरे भाई 12th में देखो बहुत सिंपल है, यहां पर ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं, 12th में अगर आपने
डीएफएल का फॉर्मूला ईबीआईटी बाय ईबीटी लिया रहेगा तो गलत है। डीसीएल का फॉर्मूला अगर आपने कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईबीटी लिया रहेगा तो भी गलत है। आपने फॉर्मूला यूज करना चाहिए था कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन वन माइनस टैक्स। और डीएफएल का फॉर्मूला वही ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस पीडी अपॉन वन माइनस टैक्स। यू कैन नॉट यूज नॉर्मल फॉर्मूला व्हेन यू हैव प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। तो 12th क्वेश्चन के तक प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। नाउ कमेंट ऑन DOL, हम लोग बोलेंगे DOL इंडिकेट्स ऑपरेटिंग रिस्क, DOL इंडिकेट्स ऑपरेटिंग रिस्क ड्यूएल इंडिकेट्स ऑपरेटिंग रिस्क देयरफॉर ऐश्वर्या लिमिटेड इज लीस्ट रिस्की कंपनी एंड करीना लिमिटेड इज मोस्ट रिस्की कंपनी, मोस्ट रिस्की कंपनी, ठीक है। यहां पर नोट बोलेंगे, नोट किसके बारे में नोट लिखना है अपने को, नोट किसके बारे में लिखने का है, ऐश्वर्या लिमिटेड, बीटा ऑफ ऐश्वर्या लिमिटेड, बीटा ऑफ ऐश्वर्या लिमिटेड इज अबनॉर्मल सिंस बीटा नहीं सॉरी ड्यूएल, ड्यूएल लिखो उसको, ड्यूएल, ड्यूएल ऑफ ऐश्वर्या लिमिटेड इज अबनॉर्मल सिंस ड्यूएल कैनॉट बी बिटवीन जीरो एंड वन, बिटवीन जीरो एंड वन, ठीक है। अब बी पार्ट में इन्होंने बोला है कमेंट किसके बारे में करना है, ड्यूएल एंड बीटा के रिलेशनशिप के बारे में। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, दोनों कॉलम आपके सामने है लास्ट इसमें, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन। जैसे जैसे ड्यूएल बढ़ रहा है बीटा वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो ये देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू, क्लियरली इंडिकेटिंग वन लॉजिक टू यू गाइज। एंड लॉजिक क्या है सुनो अच्छे से, अगर आप ये चारों कंपनी के शेयर होल्ड करते हो, अब मार्केट फॉल हुआ तो तुम सबसे पहले किस कंपनी के शेयर्स को बेचोगे, करीना लिमिटेड। क्यों, ज्यादा रिस्क रहेगा तो पहले उसको तुरंत बेचते, तो ऑटोमेटिकली पहले तुरंत उसको बेचते तो उसका बीटा वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगा ना, आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो आपको पता है कि अगर ऐश्वर्या लिमिटेड लीस्ट रिस्की है, करीना लिमिटेड ज्यादा रिस्की है, आपके पास चारों कंपनी के शेयर्स है, तो आप सबसे पहले उस कंपनी को बेचोगे जिसकी रिस्क ज्यादा है। मार्केट बढ़ने वाला है, आप ऑब्वियसली उस शेयर्स को पहले खरीद लोगे जिसकी रिस्क ज्यादा है, क्योंकि रिस्क ज्यादा रिटर्न भी ज्यादा ना, आपको पता है मार्केट बढ़ने वाला है तो रिटर्न आपको सबसे ज्यादा चाहिए या मॉडरेट चाहिए या लो चाहिए, सबसे ज्यादा चाहिए। तो किस कंपनी को खरीद लोगे पहले, करीना लिमिटेड। इसका मतलब हर केस में करीना लिमिटेड का मार्केट चेंज होने के बाद वैल्यू सबसे जल्दी चेंज होगा, मतलब ही उसका बीटा वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। समझा क्या, लिखो ड्यूएल एंड बीटा बोथ आर इंडिकेटर्स ऑफ रिस्क, ड्यूएल कौन सा रिस्क बताता है, ऑपरेटिंग रिस्क।
बीटा कौन सा रिस्क बताता है? मार्केट रिस्क, मतलब ही सिस्टमैटिक। ड्यूएल एंड बीटा बोथ आर इंडिकेटर्स ऑफ रिस्क, देयरफॉर देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू। फुल स्टॉप। बस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द टू, क्योंकि दोनों भी रिस्क है, दोनों भी इंडिकेटर ऑफ रिस्क है, तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है? डायरेक्ट है। आर यू क्लियर? सबको अच्छे से समझाए? चलो ट्वेल्थ क्वेश्चन के तक कोई डाउट है क्या? यहां पे ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन, कोई डाउट है किसी को ट्वेल्थ क्वेश्चन में? बोलिए, अभी भी मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट के लिए ऑनलाइन वालों। अगर ट्वेल्थ क्वेश्चन में आपको डाउट है तो यहाँ पे श्री क्या बोल रहे हैं ट्वेल्थ क्वेश्चन के बारे में, आफ्टर क्लास एक मिनट अनम्यूट कर रहे हैं। बिल्कुल, डोंट वरी डोंट वरी, अनम्यूट कर देंगे आपको। यहां से अनम्यूट कैसे होता है मुझे पता नहीं, बट मैं कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, और क्या किसी को ट्वेल्थ क्वेश्चन के बारे में डाउट है क्या? श्रेया बोल रहे हैं हाँ डाउट है सर। बोलिए श्रेया, आपको डाउट क्या है? आपको क्या डाउट है आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हो क्या? ट्वेल्थ में जब वैल्यूज से क्रॉस चेक करते हैं डीसीएल और डीएफएल तो मैच नहीं कर रहे, चलो एक काम करते, ट्वेल्थ क्वेश्चन है ये, इसी में हम लोगों के पास कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लाख आया ना, कॉन्ट्रीब्यूशन 3 लाख आया था, वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख आया, सेल्स आपका 5 लाख आया। सर दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम आता है बट क्रॉस चेक नहीं हो रहा है, कौन से दो फॉर्मूले से आंसर सेम आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी वाला फॉर्मूला, वो यूज करना अलाउड ही नहीं है, वो यूज करना अलाउड ही नहीं है। उससे आंसर अगर सेम आता होगा तो वो कोइंसिडेंस रहेगा, इट इज जस्ट अ कोइंसिडेंस कि वो आंसर सेम आता है, बट अदरवाइज सेम नहीं आना चाहिए आंसर। ठीक है, सर लाइव में हम भी बोल सकते हैं सर आपसे, यूट्यूब से कैसे बोलोगे भाई अर्णव? कुछ भी, अब इसको अनम्यूट कैसे करते किसी को पता है क्या? सर ने कभी किया है क्या? मुझे नहीं लगता कि कर सकते, बट फिर भी एक बार देख लेते, कोई बात नहीं। एक काम करो, यहां से सेटिंग्स में से मुझे नहीं पता कि क्या है, बट एनीवेज क्लास के बाद आप मुझे पूछ सकते हो, मैं अनम्यूट करने का ये करूंगा, पूरा कोशिश करूंगा और आप बात कर लेंगे मुझसे। ठीक है, क्रॉस चेक होता है, सब होता है, कोई भी मेथड से आंसर ऐसा नहीं होता है कि गलत आएगा, और आप गलत फॉर्मूला यूज करोगे तो आंसर सही ला रहे हो ऐसा आपको लग रहा है, बट वो लॉजिक ही गलत है। जब जब प्रेफरेंस डिविडेंड रहेगा, यू आर नॉट अलाउड टू यूज कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ईबीटी फॉर डीसीएल एंड ईबीआईटी बाय ईबीटी फॉर डीएफएल। ओके, नाउ लेट अस बिगिन, आगे बढ़ते हैं, हमारे क्वेश्चनियर की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सबको मैंने टेलीग्राम पर ये मेरा बुक भेजा था, स्टार्टिंग से लेकर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर तक पूरा भेजा था। ठीक है, तो दिस इज अ वंडरफुल वंडरफुल बुक विच वी आर गोइंग टू कंप्लीट अलॉन्ग विद द क्लास, एंड बुक का इंडेक्स आप देख सकते हो, तो बुक के इंडेक्स में आपको दिखेगा क्वेश्चनियर का इंडेक्स अलग है और एमसीक्यू का इंडेक्स भी अलग है, और हम लोग दोनों भी आपसे लाइव क्लासेस के अंदर ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट चैप्टर जो है इसके सभी क्वेश्चंस वही है जो हमने क्लास में सॉल्व किए थे, तो ये सॉल्व नहीं किया, स्किप किया अभी के लिए तो चलेगा, बाद में प्रैक्टिस के लिए एक बार सॉल्व कर लेना, अभी तुरंत सॉल्व करके तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 2,
लिवरेजेस, सब लोग ध्यान देंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर वन के अंदर सिर्फ एक करेक्शन कर लो, अगर वहां पर मिस्टेक रहेगा तो कौन सा था वो करेक्शन, किसने बताया था मुझे? फोर्थ क्वेश्चन में ये तो सही है ना, कहीं कंक्लूजन में कुछ गड़बड़ था। हाँ, ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर फाइव है। क्वेश्चन नंबर फाइव में बोला है, सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एंटिटी इज 1000, वी नीड टू इन्वेस्ट 1100, देयरफॉर ऑफर शुड बी रिजेक्टेड। सेकंड पार्ट में, सिंस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एंटिटी इज 1600, वी नीड टू इन्वेस्ट 1100, द ऑफर शुड बी एक्सेप्टेड। कर दो इधर, बस कॉपी पेस्ट का एरर है वो, ठीक है। सर ये बुक का हार्ड कॉपी भी आएगा ना? सर ऑब्वियसली आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, पैसा भरा है तुमने, आएगा तुमको, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है, हार्ड कॉपी भी आएगा। Meanwhile, मैं सॉफ्ट कॉपी भेजते रहूंगा, अगर एंड तक नहीं आएगा तो मैं सॉफ्ट कॉपी पूरा भेजूंगा, डोंट वरी, और हार्ड कॉपी भी आएगा आपको, मेरा बोलने का मतलब था आ जाएगा, तब सब्र रखो बस, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग लिवरेजेस पर। लिवरेज का पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स, स्क्रीन की तरफ देखना है, मोबाइल में नहीं देखना है आपको, सॉफ्ट कॉपी, ये सॉफ्ट कॉपी इतना बड़ा स्क्रीन पर ओपन किया मैंने, आपको मोबाइल में नहीं देखना है, आपको सिर्फ आपके नोटबुक में अच्छे से सॉल्व करना था बेस्ड ऑन दिस। तो पढ़ लो एक बार क्वेश्चन नंबर वन, कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स, सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज 500, वेरिएबल कॉस्ट इज 200, फिक्स कॉस्ट इज 25 लाख रुपीज, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज, बोला है, निकाला आपने, इजी था। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड विल गिव यू सेल्स, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेम लॉजिक, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स विल गिव यू वेरिएबल कॉस्ट। तो आपका 500 इनटू 10,000 50 लाख, 200 इनटू 10,000 20 लाख, रिमेनिंग अमाउंट 30 लाख इज कॉन्ट्रीब्यूशन, और ऊपर बोला है फिक्स कॉस्ट इज 25 लाख, तो लेस करने से ईबीआईटी, और फॉर्मूला है कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ये आ गया आपका 6 times। फर्स्ट पार्ट, एनी डाउट? सेकेंड पार्ट बोलता है, इफ द सेल्स आर अप बाय 10%, कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन ईबीआईटी, ऑब्वियसली योर ईबीआईटी विल बी अप बाय 10 × 6 times, दैट इज 60%, योर ईबीआईटी विल बी अप बाय 60%, आर यू जेपिंग? सबको समझा क्या? आसान है, समझ रहे अच्छे से? अब मुझे बताओ कि अगर यही सेम क्वेश्चन में लास्ट में लिखा रहता था कंप्यूट द न्यू ईबीआईटी, कंप्यूट द न्यू ईबीआईटी, कैसे पर निकाल के बताओ? 8 lakhs, कैसे आएगा 8 lakhs? 5 lakh ओरिजिनल ईबीआईटी प्लस 60% करोगे आप, सो बी केयरफुल फ्रेंड्स, समझा कि नहीं? अच्छा, यही सेम क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए भी आ सकता है, क्या एमसीक्यू के लिए आएगा सर क्वेश्चन? इफ द सेल्स आर अप बाय 10% एंड द ड्यूएल इज 6 times, वॉट इज द इंपैक्ट ऑन ईबीआईटी? 60%, 10 × 6, वॉट विल बी द न्यू ईबीआईटी भी पूछ सकते वो लोग, इफ ओरिजिनल ईबीआईटी इज 5 lakh, तो ऑब्वियसली 5 lakh प्लस 60% विल बी न्यू ईबीआईटी। सर प्लस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज सेल्स आर अप बाय 10%, सेल्स आर डाउन बाय 10% बोलते तो 5 lakh माइनस करता। कंसेप्ट क्लियर है क्या? लॉजिक्स क्लियर है? क्वेश्चन नंबर टू, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेजेस फॉर ईच ऑफ दिस फोर फर्म्स ए बी सी डी फॉर द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 20, 32, 50, 70, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया है, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट भी दिया हुआ है, जो लास्ट कंपनी में जीरो है तो उसका डीओएल जीरो आएगा, वन आएगा, उसका डीओएल वन आएगा, जैसे ही नील देखा समझ जाना चाहिए आपको, ठीक है। देन वॉट कैलकुलेशन यू कैन ड्रॉ विद रिस्पेक्ट टू द फिक्स्ड कॉस्ट एंड द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज रिजल्ट, एक्सप्लेन, assume number of units sold is 5000, last
लाइन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. तो फिर 5000 इंटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर दो, सेल्स आ जाएगा. 5000 इंटू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कर दो, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा. माइनस कर लो, कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा. गिवन फिक्स कॉस्ट माइनस कर दो, ईबीआईटी आ जाएगा. कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी कर लो, ऑपरेटिंग लेवरेजेस आ जाएंगे. अब आप बोलोगे ऑपरेटिंग लेवरेज इंडिकेट्स रिस्क, हायर द ऑपरेटिंग लेवरेज हायर द रिस्क. लास्ट कंपनी ऑपरेटिंग लेवरेज इज वन, दैट मीन्स दैट कंपनी इज हैविंग नो ऑपरेटिंग एडवांटेज ऑफ फिक्स कॉस्ट. That company is having no advantage of fixed cost of operation because the fixed cost is zero. समझा? जिन लोगों को थोड़ा भी confusion लगता है कि सर ये advantage कब होता है, risk कब होता है, थोड़ा समझता नहीं है. अरे भाई advantage तब है जब तेरा sale बढ़ रहा है और उससे ज्यादा तेरा profit बढ़ रहा है, मतलब तेरा fixed cost same है, advantage है. Risk कब होता है सर? फिर जब sales घटता है और तेरा fixed cost fixed है तो तेरा profit ज्यादा घटता है, वो risk है. समझे कि नहीं? सो देर आर टू साइड ऑफ लेवरेज, वन इज एडवांटेज, द अदर इज रिस्क. सेल बढ़ेगा एडवांटेज मिलेगा, सेल्स घटेगा रिस्क मिलेगा. सर डीएफएल की हद तक क्या सेम रहेगा क्या? सर ऐसा नहीं रहता डीएफएल की हद तक. डीएफएल की हद तक यू नीड टू कंपेयर टू थिंग्स, आई टोल्ड यू, आरओआई एंड इंटरेस्ट रेट्स, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपेयर करना पड़ता है आपको. तो ये भी डन है. देखो जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे चारों ईबीआईटी निकाला और कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई ईबीआईटी किया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, चारों का आंसर आ गया. लास्ट का आंसर वन टाइम आया जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे. कमेंट पार्ट में वही बोला हुआ है जैसे हमने बात किया था. मेन कमेंट पार्ट में ये जो लास्ट लाइन है ना, इसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्यूअल ऑफ डी करो, इसको डी सेवन की जगह क्या करोगे? डी इज दैट 1% चेंज इन, सॉरी सेवन ही वो, सॉरी आई एम सॉरी, डी के बारे में इधर दिया है क्या? यस, फर्स्ट लाइन में दिया है. इन केस ऑफ डी देर इज नो मैग्निफाइड इफेक्ट ऑन ईबीआईटी ड्यू टू चेंजेस इन सेल्स. वाई देर इज नो मैग्निफाइड इफेक्ट? बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज जीरो, बिकॉज फिक्स कॉस्ट इज जीरो. लास्ट लाइन में वो इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्यूएल सेवन जो बोल रहे हैं, वो ड्यूएल ऑफ ए बोल रहे, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है? एवरी 1% चेंज इन सेल्स देर विल बी 7% चेंज इन ईबीआईटी. समझे कि नहीं? तो इट इंडिकेट्स हायर रिस्क एंड हायर रिटर्न ऑल्सो. जब सेल बढ़ेगा तो रिटर्न हायर है, सेल्स घटेगा तो रिस्क हायर. क्वेश्चन थ्री पे आते, थर्ड बोलता है द फर्म्स डिटेल आर एज अंडर, सेलिंग प्राइस पर यूनिट 100 एंड सेल्स का अमाउंट दिया है 24 लाख, वेरिएबल कॉस्ट 50% है, तो बचा 50% आपका कॉन्ट्रीब्यूशन है, विच वी यूजली कॉल इट एज पीवी रेशियो. Then fixed cost is 10 lakhs. It has borrowed funds rupees 10 lakhs at 10%, equity share capital of 10 lakhs, considered tax 50%. Calculate the operating leverage, financial leverage, combined leverage, ROI. And last में बोला है, if sales increased by 6 lakhs, what will be the new EBIT? तो लोग कैसी, सब लोग निकाले देंगे ना आंसर सबने. तो फिर यहां पर sales आपने पहले लिया, उसका 12 lakh variable cost है, बचा 12 lakh fixed आपका contribution है. उस 12 लाख में से फिक्स कॉस्ट लेस कर दो, ईबीआईटी आपका 2 लाख आ गया. निकाला क्या ईबीआईटी? उसमें से फिर आपने ये डेट लिया 10 लाख का 10% से, तो 1 लाख का इंटरेस्ट आया, बचा हुआ 1 लाख आपका ईबीटी आता है. 2 लाख माइनस 1 लाख, बचा हुआ 1 लाख विल बी ईबीटी. किया क्या? ओके. तो फिर आपने ऑपरेटिंग लेवरेज निकाला, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, 6 टाइम्स आंसर आता क्या? देखो यहां तक पहुंच गया अपन लोग, ईबीटी तक. ठीक है, टैक्स रेट दिया है क्वेश्चन में 50%, ईबीटी पर टैक्स लगा दो, बचा हुआ 50% विल बी ईएटी. तो ये यहां पर ईएटी तक आ गए हम लोग. अब आपको ईपीएस भी निकालने बोला था क्या? नहीं, ईपीएस निकालने नहीं बोला था. ठीक है, ऑपरेटिंग लेवरेज निकल जाएगा, फिर फाइनेंशियल लेवरेज विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन ईबीआईटी बाय ईबीटी, ईबीआईटी बाय ईबीटी. दोनों फिगर्स नीचे रेडी है. फर्स्ट देख लो, 12 लाख डिवाइड बाय 2 लाख करोगे तो 6 टाइम्स आएगा, ये 2 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करोगे तो 2 टाइम्स आएगा. ऑब्वियसली कंबाइन विल बी 12, पूछा नहीं है मगर कम पूछा है, 12 भी आ जाएगा. आंसर आया क्या इनके? इनके आंसर बराबर है क्या? इनके क्यों बोल रहे सर? वो आपकी बुक के नहीं, इंस्टीट्यूट के आंसर मैंने वैसे ही छाप के दिए आपको. करेक्शन जो भी रहेंगे साथ में करेंगे.
अगर उनका आंसर में मिस्टेक है तो करेक्शन में क्लास में करवाऊंगा आपको, समझे। नाउ दे आर सेइंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी निकालो। व्हाट इज द फॉर्मूला रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? दो फॉर्मूले है, एक बिफोर टैक्स एक आफ्टर टैक्स। ओके, तो बिफोर टैक्स यूज करते हैं जनरली 99% प्लेसेस पे, जब तक वो लोग स्पेसिफिकली आपको आफ्टर टैक्स नहीं बोलते। हम दोनों तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अगर मैं बिफोर टैक्स निकालू तो मेरा फॉर्मूला रहेगा ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। अब आप बोलो मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? 20 लाख क्यों? 10 लाख प्लस 10 लाख। ईबीआईटी कितना है? 2 लाख। मेरा आंसर कितना आएगा? 10%। ये क्या है? बिफोर टैक्स। इसी को अगर आफ्टर टैक्स करना है तो ये 2 लाख को इनटू 1 माइनस 0.5 करना पड़ेगा, 20 लाख वैसे रहेगा, इनटू 100 करोगे तो आंसर ऑब्वियसली 5% आएगा। सर ये बिफोर टैक्स कब यूज करते हैं? आफ्टर टैक्स पूरे सिलेबस में बिफोर टैक्स ही होता है, जब तक आफ्टर टैक्स बोलते नहीं। बट सेफर साइड पर आपने दोनों से आंसर निकालना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे सर टैक्स शील्ड का इंपैक्ट क्या होगा, उसमें ईबीआईटी इनटू 1 माइनस टैक्स कर रहे हो आप। डोंट वरी, ये फॉर्मूला रेशियो एनालिसिस में आता है आरओआई का, उस वक्त मैं आपको और क्लियरली बता दूंगा। सर आज ही बता दो, आपकी औकात नहीं है फिलहाल, ऐसा समझ लो, आपके लेवल नहीं है वो समझने की। थोड़ा रेशियो तक जाओगे, चार चैप्टर खत्म होंगे, आपके दिमाग में चीजें सेटल होंगी, फिर वो बेहतर समझेगा आप। और चार चैप्टर में आपको ये भी समझ जाएगा कि मैंने अभी जो सेंटेंस यूज किया कि मैक्सिमम टाइम बिफोर टैक्स यूज होता है तो वो क्यों होता है, ये चौथे चैप्टर तक आपको समझ जाएगा। पांचवा चैप्टर हमारा रेशियो है, उसमें आप थोड़े टक्कर के इंसान बनोगे जिससे डिस्कशन भी हो सकता है, ठीक है, आरओआई बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स के लिए। तो डोंट वरी, ऑल योर थिंग्स विल बी बिल्ड अप व्हेनेवर यू विल बी कैपेबल ऑफ। तो अभी के लिए समझ लो, हर जगह बिफोर टैक्स कंपलसरी है। अगर आप सेफर साइड पे जाना चाहते हो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में, तो बिफोर टैक्स भी निकालो आफ्टर टैक्स भी निकाल लो। इन्होंने शायद बिफोर टैक्स ही दिया है, बिफोर टैक्स है ना, बिफोर टैक्स ही हो, 10% आया मतलब बिफोर टैक्स ही है। उन्होंने सिर्फ बोला नहीं है, यहां पर ब्रैकेट में लिख दो बिफोर टैक्स, और इसी को आरओआई आफ्टर टैक्स भी निकाल लो इधर। टू लैख इंटू वन माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय 20 लैक्स ना, तो इसका आंसर आएगा 5%। इसका आंसर आएगा 5%। थोड़े थोड़े मैंने फिर भी यहां पर यू नो सिंप्लीफाई करके आंसर्स दिए, इंस्टीट्यूट के आंसर तो और भी खराब तरीके से प्रेजेंटेड है। आप ये क्वेश्चंस जहां जहां देखोगे ना मॉड्यूल में या कहीं पर भी एमटीपी आरटीपी पास्ट एग्जामिनेशन उनके सजेस्टेड आंसर देखोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा सॉर्टेड करके दिया मैंने यहां पर। लास्टली, इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 6 लाख, न्यू ईबीआईटी निकालना है, डोंट यू थिंक आप डायरेक्टली इनकम स्टेटमेंट बना देना चाहिए? परसेंटेज चेंज से निकाला, कोई बात नहीं, आई ऑलवेज प्रेफर इनकम स्टेटमेंट। तो यहां पर अगर मैं सेल्स को 6 लाख से बढ़ाऊं तो नया सेल विल बी 30 लाख, 15 लाख विल बी वेरिएबल कॉस्ट, रिमेनिंग 15 लाख विल बी कॉन्ट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट विल बी 10 लाख, ईबीआईटी विल बी 5 लाख। इन्होंने न्यू ईबीआईटी तक ही पूछा था, तो ईबीआईटी आ गया, समझा कि नहीं? तो मेरा सॉल्यूशन इस तरीके से रहना चाहिए। डन? एनी डाउट फ्रेंड्स? आर यू कंफर्टेबल? अच्छा सर, परसेंटेज चेंज से कैसे निकाल सकते हैं? उन्होंने क्या पूछा आपको? ऑपरेटिंग पार्ट पूछा कि फाइनेंशियल पूछा कि कंबाइन पूछा? कैसे समझा आपको ऑपरेटिंग सेल्स और ईबीआईटी? बस ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करके आंसर निकालो, परसेंटेज चेंज वाला। सर उससे कैसे आएगा? आपका 6 लाख का चेंज इन ईबीआईटी कंपेयर टू ओरिजिनल ईबीआईटी ऑफ ओरिजिनल सेल ऑफ सॉरी 6 लाख चेंज इन सेल कंपेयर टू ओरिजिनल सेल ऑफ 24 लाख, परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा, 25% आएगा और उससे आपका आंसर आ जाएगा। समझा कि नहीं? 25% इंटू
सिक्स टाइम्स कितना होता है, 1.5 इनटू होता है क्या फिर वो, बताओ क्या उससे आंसर। ड्यूएल इज कैसे बातें करते हो ये होने के बाद में, ड्यूएल आपका कितना है, सिक्स टाइम्स है ना। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ऑल ऑफ यू। तो सिक्स इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, वी डोंट नो, एक्स रख दो उसको, और ये 25%। ये 25 कैसे आया सर, सेल्स का चेंज है 6 लाख, ओरिजिनल सेल है 24 लाख, इनटू 100 25% आता है। सेल में चेंज कितना हुआ, 25%। क्यों सर, क्योंकि इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 6 लाख बोला ना उन्होंने, ओरिजिनल सेल कितना था आपका 24 लाख, इंक्रीज कितने से हुआ 6 लाख, चेंज डिवाइडेड बाय बेस इनटू 100 गिव्स यू परसेंटेज चेंज, चेंज डिवाइडेड बाय बेस इनटू 100 गिव्स यू परसेंटेज चेंज, सो परसेंटेज चेंज इज 25%। सॉल्व दिस, गेट योर आंसर, योर ईबीआईटी कम्स टू, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कम्स टू 1.5 ना। गुड वन, 1.5 क्या है वो, टाइम्स। तो आपका 1.5 टाइम्स नहीं है वो, 1.5% है, टाइम्स है, 150% होगा वो, परसेंटेज के हिसाब से 150% होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको उसको, 1.5 मत बोलो, सीधा 25 × 6 करो, 150% करो, मैथ्स के दुश्मन हो। और आपका ईबीआईटी कितना था अभी का, 2 लाख, 2 लाख को बढ़ाएंगे या कम करेंगे, क्यों बढ़ा रहे हो, सेल्स बढ़ रहा है इसलिए, तो सीधा सीधा 2 लाख प्लस 150% इज इक्वल टू 3 लाख, 5 लाख ना, 3 लाख से बढ़ रहा है वो 5 लाख, समझा क्या सब लोग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फोर्थ वन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ दिस कंपनी कैलकुलेट द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस। सर ऊपर ना इन्होंने ईपीएस तक निकाला है सर, ये पार्ट निकालना पड़ेगा क्या हमको भी, नहीं उन्होंने सिर्फ निकाला है, आपको निकालना है निकालो, नहीं निकालना मत निकालो, उन्होंने पूछा रहता तो निकालते। नेक्स्ट पार्ट उन्होंने बोला है कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10% एंड द ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1,57,500, ईबीआईटी इज 31,50,000, ईबीटी इज 14 लाख। माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट टेल मी वन थिंग, क्वेश्चन कौन से लेवरेज पर बेस्ड है, डीसीएल से रिलेटेड है वो, क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, डीसीएल से, कैसे, परसेंटेज चेंज इन सेल्स एंड दे आर टेलिंग यू ईबीआईटी ईपीएस का परसेंटेज चेंज। भाई सेल्स तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट होता है, ईपीएस तुम्हारा लास्ट पॉइंट होता है, कौन सा लेवरेज, कंबाइन लेवरेज, जनरली ऐसा पहले समझना होता है कि वो कंबाइन लेवरेज की तरफ जा रहा है, नो डाउट आप दूसरे लेवरेज के थ्रू भी जा सकते हो, बट ये प्राइमा फेसिया कैसा दिख रहा है, कंबाइन लेवरेज यूज करके आंसर आने वाला दिख रहा है। नाउ दे आर सेइंग यू कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%, तो मुझे बताओ क्या करोगे आप, डीसीएल तक पहुंचने की कोशिश करो, डीसीएल तक पहुंचने की कोशिश करो, आपके पास ईबीआईटी और ईबीटी दोनों दिया हुआ है, इससे क्या मिलेगा, डी एफ एल मिलेगा, 31.5 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख कितना आएगा, 2.25 टाइम्स आ गया क्या, ओके आपके पास फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, रिवर्स जाओ, रिवर्स जाओ, कॉन्ट्रीब्यूशन निकलेगा, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस ईबीआईटी, तो इट इज 157,500 प्लस 31.5 लाख,
33,07,500. तो एक काम करते हैं, लैक्स में 33,07,500, ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब इससे क्या मिलेगा आपको, ड्यूएल, ड्यूएल मिल सकता है, ड्यूएल इज कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना है 31,50,000 है, 1.05 times, जबरदस्त। तो फिर डीसीएल कैसे आएगा, डीओएल दैट इज 1.05 इंटू 2.25 इज इक्वल टू 2.3625 टाइम्स। ऑल ऑफ यू विथ मी, यस। अब सीधा सीधा इसको यूज करो, सेल्स इनटू दिस गिव्स यू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, सेल्स कितना परसेंट से बढ़ा, 10% इनटू 2.3625 करो, आपके पास स्मार्ट वॉच है, आपके पास स्मार्ट वॉच है क्या, पीछे हट, स्मार्ट वॉच है वो, है ना, है कि नहीं, स्मार्ट वॉच है या क्या सादा वॉच है वो, स्मार्ट वॉच है, मेरे पास भी है, बहुत भारी है क्या, तू यहां समझा रहे हो, यहां ध्यान देना, कैसी चलना चाहिए स्मार्ट वॉच में, क्या कर रहे हो स्क्रॉल तुम, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ऐसे बीमारी है, ऐसे हाथ हिलते हैं, ऐसे कुछ, ऐसा मन करता क्या किसी भी से हाथ घुमाना चाहिए ऐसे थोड़ी थोड़ी देर बाद, कैलकुलेटर कहाँ है, चोरी हो गया थोड़े दिन बाद, पहले चोरी हो गया था दो दिन पहले, फिर क्या कर रहे हो, फिर तुम दो दिन से क्या कर रहे हो, कैलसी चाहिए, वर्किंग्स चाहिए, तब तक अगर तुमको लग रहा है तुम बाजू वाले से बोरो करो, बट पार्टिसिपेट करो यार, दो मिनट से देख रहे हो स्मार्ट वॉच में, आप देख रहे हो तो फाइनली परसेंटेज चेंज इन ईपीएस विल बी 10 into 2.3625 कम्स टू 23.625%। नीचे करेक्ट है क्या इनका आंसर, ये निकाला इन्होंने, ये निकाला और ये निकाला, बिल्कुल सही है फ्लो ऑफ आंसर। अच्छा, एक ही क्वेश्चन के अलग तरीके भी हो सकते हैं आपका, अगर तरीका थोड़ा अलग रहेगा तो भी आपका आंसर सही आता है, नथिंग टू वरी सर, इंस्टीट्यूट का मॉडल आंसर में अलग रहेगा, ऐसा कुछ नहीं रहता, जितने पॉसिबल आंसर रहते सब उनके चेकिंग के वक्त दिए जाते हैं उनको, आपको जो सजेस्टेड आंसर इंस्टीट्यूट देता है वो मॉडल आंसर नहीं होता है, रिमेंबर दिस लॉजिक। फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 सेज कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ दिस कंपनी, प्रोडक्शन लेवल, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, टैक्स रेट, कंप्यूट द अर्निंग आफ्टर टैक्स। माइक कहां पर है, माइक किधर है, माइक, हाँ उधर लास्ट बेंच पे पास कर। सॉल्व किया बेटा, बाजू में सॉल्व किया, बोलोगे सॉल्व किया ना, बोलोगे ना मेरे साथ आंसर, सॉल्व नहीं किया आप बोलोगे, ओके वेरी गुड, बोलो। क्वेश्चन नंबर 5 सेज प्रोडक्शन लेवल, कॉन्ट्रीब्यूशन, तीन दोनों लेवरेज दी, ऑपरेटिंग और कंबाइंड, टैक्स रेट भी दिया है, अर्निंग आफ्टर टैक्स निकालना है, फ्लो ऑफ आंसर चाहिए मुझे, नंबर्स नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। सर पहले डीसीएल निकाला, डीओएल इनटू डीएफएल के फॉर्मूले से, नहीं डीसीएल दिया हुआ है, हाँ डीएफएल निकाला ना सर, डीएफएल निकालो, हाँ उससे डीएफएल इज इक्वल टू 4
24 डिवाइडेड बाय 6 डीएफएल इक्वल टू 4 ठीक है. देन डीओएल का फॉर्मूला यूज किया, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, उससे ईबीआईटी निकाला 62,500. तेरे पास कंट्रीब्यूशन है क्या? हाँ सर. यस 150 इनटू 2500 कंट्रीब्यूशन रेडी है. हाँ डिवाइड बाय ईबीआईटी रेडी नहीं है, मगर ड्यूएल दिया है. हाँ तो 6 इज इक्वल टू 375,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी और ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 62,500. वेरी गुड. सही है क्या? इससे ईबीआईटी आ गया. फिर क्या किया तुमने? फिर सर उससे डीएफएल निकाला. मैं डीएफएल दिया है, डीएफएल का फॉर्मूला, डीएफएल का फॉर्मूला यूज किया, उससे ईबीटी निकाला. वेरी गुड. तो आपने 4 इज इक्वल टू 62,500 का ईबीआईटी, हाँ, डिवाइडेड बाय ईबीटी, डिवाइड बाय ईबीटी और उससे ईबीटी निकाला 15,625. सही है क्या आंसर? बिल्कुल सही है. आगे बोलो. और आप ईबीटी तक पहुंचे. हाँ उसे लेस किया 30% टैक्स, टैक्स रेट 30% दिया है. हाँ तो लेस कर ईएटी आ गया. हाँ कैलसी लो 15,625 - 30% 10,938. सबको समझा? मुश्किल है? समझ में आ रहा है? वेरी गुड. डायरेक्ट डीसीएल का फॉर्मूला से भी आंसर आ जाएगा. बिल्कुल सही है. जबरदस्त भाई, एक नंबर जा रहे हो. सिक्स्थ क्वेश्चन. सिक्स्थ क्वेश्चन, माइक जो है ना, माइक दो बेंच आगे पास करो. हाँ बस आपके पास इधर आप ट्राई करोगे सिक्स्थ फुल. हाँ सर बोलिए. फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ ए एंड बी. मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है, इंटरेस्ट दिया है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दिया है, फाइनेंशियल लेवरेज है और टैक्स रेट है. सर पहले ईबीआईटी फाइंड करेंगे. किससे? डीएफएल इक्वल्स टू ईबीआईटी बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. तो 4 इक्वल्स टू एक्स बाय एक्स माइनस 3000. तो एक्स इक्वल्स टू 4000. कल कौन सी सॉल्व किया था अपने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में, वैसे यहां पर भी आएगा. आपने क्या निकाल लिया इसमें से? ईबीआईटी निकल गया. आगे सर उसके बाद कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे, बट उसके लिए डीओएल लगेगा एंड वी नो दैट डीओएल इक्वल्स टू 1 बाय एमओएस. वेरी गुड. सो डीओएल इज इक्वल टू 1 बाय एमओएस. सो डीओएल इक्वल्स टू 5 एंड 4. डीओएल आ जाएगा 5 एंड 4. फिर कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे. 5 एंड 4 कैसे आया? 1 डिवाइड बाय 0.2 एंड 1 डिवाइड बाय 0.25. सब लोग पहली बार एमओएस का यूज करके अपन ने डीओएल निकाला है पहली बार. सबको समझा ना? आगे ड्यूएल आने के बाद उसके बाद कंट्रीब्यूशन फाइंड करेंगे. कंट्रीब्यूशन कैसे फाइंड होगा? टीओएल इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी. कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी. ऊपर ईबीआईटी को टिक किया था अपन ने, ईबीआईटी आ चुका था अपना. तो ईबीआईटी आ चुका है, डीओएल आ चुका है, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन. वेरी गुड. तो कंट्रीब्यूशन इक्वल्स टू 20,000 and 8,000. 20 and 8,000. देन वी गेट फिक्स्ड कॉस्ट. 20 and 8,000 आता है यहाँ. 20 और 12 दिख रहा है. नहीं 12, सॉरी. सेकंड वाली कंपनी का ड्यूएल कितना है आपका? 1 by 0.25 करोगे तो कितना आएगा? 4 times आएगा. 4 times आने के बाद EBIT आपका कितना आया था सेकंड कंपनी का? EBIT 3000 आया था. तो फिर 4 is equal to contribution divided by 3000 होगा ना? हाँ 12,000. तो कितना आएगा contribution? 12,000 आएगा. समझा बेटा? तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 12,000. अब कॉन्ट्रीब्यूशन तक पहुंचे आप. देन वी कैन फाइंड फिक्स्ड कॉस्ट बिकॉज़ वी हैव कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ईबीआईटी. सो व्हाई यू रिक्वायर फिक्स्ड कॉस्ट? अच्छा बैलेंसिंग फिगर. हाँ बट हाउ टू गेट सेल्स, मुझे सिर्फ इतना बता दो. पीवी रेशियो. वेरी गुड. पीवी रेशियो से आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन रेडी है, आपके पास पीवी रेशियो रेडी है,
contribution divided by PV ratio gives you sale, because PV ratio is nothing but contribution as a percentage of sales. सब लोग मेरे साथ समझ पा रहे हैं? तो आपका क्या निकल जाएगा? सेल्स निकल जाएगा. जहां पर भी आप जो भी बचा वो बैलेंसिंग फिगर आने वाला है. समझे कि नहीं? बोलिए आंसर मैच हो रहे? आपने सोचा था घर पे ऐसे ही सॉल्व किया था? यहाँ पे मैं बहुत प्राउडली बोलना चाहता हूँ कि सब यहाँ पे ऑनलाइन वाले भी एकदम अलर्ट रहकर आंसर करें. श्रेया तुम तो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो बेटा, सब फ्लो वगैरह सब बता रहे हो. आई इंसिस्ट जितने भी लोग ऑनलाइन है सब लोग ऐसे आंसर करोगे तो ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आप रिदम में भी रहोगे और एवरीडे लाइव स्ट्रीमिंग में ही अटेंड करोगे, विच आई फील यू शुड डू दैट. इंटरेक्शन अलग लेवल का होता है, ठीक है? तो डेफिनेटली ऑनलाइन वालों में से भी रैंकर्स आने वाले हैं. में से भी बोला मैंने, ऑनलाइन वालों में से भी आएंगे. यस, तो चलिए ये था आपका सिक्स्थ क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन पर आएंगे. सेवेंथ क्वेश्चन कौन ट्राई करना चाहेगा? जल्दी जल्दी सॉल्व किया रहेगा तो बोलो, हाथ ऊपर करो कॉन्फिडेंटली. सेवेंथ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है सॉल्यूशन में. पहले माइक इधर पास करो, अपन ट्राई करेंगे. कौन सा प्रॉब्लम आ रहा है देखते हैं. क्वेश्चन नंबर सेवन सेज दिस कंपनी हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट. बैलेंस शीट में क्या देखना होता है? तो आपको ये नंबर ऑफ शेयर्स दिख रहे हैं, डेट दिख रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है, इंटरेस्ट का अमाउंट मिल सकता है, बाकी कुछ खास नहीं है, और टोटल एसेट्स दिख गए कितने के, ठीक है? और सेल्स ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग 60,000 का डेप्रिसिएशन बोला उन्होंने. 60,000 का उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, तो विदाउट डेप्रिसिएशन 60,000, ठीक है? एंड फिर ईबीआईटी मिला आपको, फिर उसमें से इन, अच्छा अच्छा ये नहीं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए, इसमें कुछ नहीं है आपका. इंटरेस्ट 60,000 है एक्चुअली. इंटरेस्ट कितना है? 60,000 है. करेक्शन कर लो, पहले मुझे करने दो फिर आप करना, ठीक है? तो इंटरेस्ट 60,000 है इधर, ये आ जाएगा ईबीटी कितना 1,60,000, ये आ जाएगा टैक्सेस 56,000, ये आएगा नेट इनकम. करेक्शन कर लो सब लोग, प्लीज मेक द करेक्शन. जिनको हार्ड कॉपी मिली है, जिनको हार्ड कॉपी नहीं मिली है, डोंट वरी, ये सॉफ्ट कॉपी भी टेलीग्राम पे आ जाएगी आपके पास रहेगा, वो आपको बुक मिलते साथ ही करेक्शन कर लेना. और जिन लोगों ने 20 मार्च से फेस टू फेस में एडमिशन लिया है मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे दूंगा, आप कल जाकर कलेक्ट कर लेना, ठीक है? उनके पास पूरे बुक्स अवेलेबल है, उन्होंने सोचा रहेगा चार्ट बुक के साथ देंगे आपको, बट चार्ट बुक को आने के लिए और दो चार दिन है, तब तक क्यों वेट करें आप, ठीक है? या एक साथ ले लोगे दोनों? क्योंकि ये तो हो ही गया, वैसे भी सॉफ्ट कॉपी में रहेगा, थोड़ा कन्वीनियंस रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज, ठीक है? दो चार दिन में आ जाएगा चार्ट बुक, डोंट वरी, ठीक है? मैं उनको बोल देता हूँ चार्ट बुक के साथ ही देने के लिए, ठीक है? ये सॉफ्ट कॉपी आपके पास रहेगा, डोंट वरी एट ऑल. यस, प्रिंटिंग मिस्टेक था, तो ये एक यही दिक्कत था. अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं. मुझे आंसर बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये लोग, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज एट द करंट लेवल ऑफ सेल्स इफ ऑल द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल. तो कॉमन सेंस है भाई, डेप्रिसिएशन कभी वेरिएबल हो ही नहीं सकता. मुझे वो अगर हाँ ये सेंटेंस नहीं दिया रहता था तो आप क्या करते? क्या करते दोस्तों आप? वो सेंटेंस नहीं दिया रहता था तो क्या करते थे आप? फिर भी वही करते थे, फिर भी वही करते थे आप? क्यों? डेप्रिसिएशन इज अ फिक्स कॉस्ट, इट इज पीरियडिक कॉस्ट, समझे कि नहीं? तो वो आपको उसमें इंक्लूड करके दे रहे, बट आप ऑब्वियसली अगर आप एक और हिंट देखोगे तो उसके तुरंत बाद आपको ईबीआईटी मिला. क्वेश्चन में देखो ना आप, छोटे छोटे हिंट्स से बहुत कुछ समझता है. दिख रहा है कि इधर ईबीआईटी, अगर इधर ईबीआईटी लिख रहे हैं लोग, इसका मतलब ही डेप्रिसिएशन तुम्हारा फिक्स कॉस्ट है. जीपा,
तो बेटर नॉट टू राइट लाइक दिस. हम कैसे लिखेंगे फिर सर? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट 60,000, रिमेनिंग अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट दैट इज डेप्रिसिएशन 60,000. फिर ईबीआईटी का नंबर सेम आएगा. वैसे ही किया सबने. तो ये फर्स्ट पार्ट का तो आंसर आ जाएगा. सब कुछ रेडीमेड दिया हुआ है, सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन पहले अलग से करना पड़ेगा. तो मुझे इधर ही बता दो क्या किया आपने बेटा. 3.4 लैक्स में से आपने 0.6 लैक्स लेस कर दिया वेरिएबल का. 2.8 आ गया कितना? 2.8 लैक्स सेल से ही है. हाँ, उसमें से 60 वेरिएबल कॉस्ट है, ये कॉन्ट्रीब्यूशन है. इसमें से माइनस किया 60,000 का डेप्रिसिएशन मतलब फिक्स कॉस्ट. तो बचा हुआ ईबीआईटी 2.2 लाख का ईबीआईटी. आगे का आंसर तो रेडी है उनका. आगे का आंसर तो रेडी है उनका पूरा. yes. सब लोग समझे कि नहीं? सो बोलिए आपका फर्स्ट लिवरेज ऑपरेटिंग कैसे आएगा. कॉन्ट्रीब्यूशन 2.8 लाख डिवाइडेड बाय ईबीआईटी 2.2 करो 1.27 आया. सेकेंड केस में आपका ईबीआईटी 2.2 डिवाइडेड बाय ईबीटी 1.6 1.375 बोल दिया इन्होंने. ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कंबाइन आ जाएगा कितना? 1.75. फर्स्ट पार्ट सॉल्व्ड. हाँ, फर्स्ट पार्ट सॉल्व्ड. यस. ओके, मैं ये कट वाला हटा रहा हूँ. वो डिस्कस कर तक मैंने सिर्फ लिखा था, वो कट नहीं करना है, करेक्शन नहीं है वो. ठीक है, नहीं तो पता चला ये सॉफ्ट कॉपी शेयर किया आपने कट कर दिया. ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में इन्होंने बोला है If total sales, total assets remains the same, total assets remain at the same level. मतलब ये जो total assets वगैरह ये सब वैसे ही रहेंगे. सिर्फ sales क्या होगा? 20% से increase होगा या 20% से decrease होगा? तो ये लोग आपको पूछ रहे EPS निकालो. हाँ. कितने statement बनेंगे आपके? दो. दो statement बनेंगे. हाँ. increase decrease वाला. बट ओरिजिनल एक स्टेटमेंट रेडी है आपके पास. हाँ. तो तीन स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं आप. Yes. अच्छा, सेल्स का एक और पार्ट. जैसे कि आप सबको पता है वेरिएबल कॉस्ट वेरीज एज पर आउटपुट, बराबर सेल्स. तो आपके पास चॉइस है दोस्तों. आप क्या करो, वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल निकाल लो. कैलसी लो सब लोग. 60,000 डिवाइडेड बाय 3,40,000 इनटू 100 करो 17.64 समथिंग आ रहा है. ओके, ये वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल है. वो इंक्रीज्ड सेल और डिक्रीज्ड सेल पे लगा दो. या फिर आप एक और काम कर सकते हो, 60,000 वेरिएबल कॉस्ट को 20% से बढ़ा दो, 20% से कम कर. समझे कि नहीं? दोनों भी एक ही है, आंसर दोनों से एक ही आता है. मेरे ख्याल से सेकंड वाले केस में आंसर जल्दी आता है. वेरिएबल कॉस्ट को 20% से बढ़ाया, वेरिएबल कॉस्ट को 20% से घटाया. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? गुड. सो विद दिस कैन यू इजिली कैलकुलेट योर ईपीएस ऑल ऑफ यू? यस. तो यहां पे हम लोग इंक्रीज इन सेल डिक्रीज इन सेल लिए. अब आप देखो आपका 60,000 का प्लस 20% करोगे तो 7,20,000 आएगा और माइनस 20% करोगे तो 48,000 आएगा. मगर फिक्स कॉस्ट आपका उतना ही रहता है 60,000 करेक्ट. फिर आप नीचे सॉल्व करोगे, इंटरेस्ट को भी उतना ही रखोगे 60,000. टैक्सेस ऑब्वियसली रेट दिया था क्या ऊपर? क्या करोगे फिर? टैक्स को भी फिक्स रख दो, चलेगा क्या? नहीं भाई, कॉमन सेंस इज सुप्रीम. टैक्स को तुम्हें रेट निकालना पड़ेगा. कैसे निकालते हैं सर? 56,000 एज अ परसेंटेज ऑफ 1,60,000 कितना था? 35%. सो ऑब्वियसली दिस परसेंट यू नीड टू अप्लाई नीचे. इधर क्या लिखोगे आप? टैक्सेस एट द रेट 35%. समझा क्या सबको? ऑल ऑफ यू? हार्ड जा रहा है क्या? बाउंसर जा रहा है क्या? वेरी गुड. Now, आपका नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? 8 लाख डिवाइड बाय 10 ईच 80,000. तो फिर ये आ गया 80,000, ये आ गया ईपीएस. समझ में आ गया? आगे बढ़े, एट्थ क्वेश्चन पे आते हैं. एट्थ क्वेश्चन सेज कंपनी हैड द बैलेंस शीट एज ऑन 31st of March 2023. बैलेंस शीट देख लो. इक्विटी शेयर्स रेडीमेड दिए 50,00,000, इक्विटी शेयर्स रेडीमेड दिए 50,00,000, डिबेंचर्स जो है वो 10 करोड़ है, उस पर 15% है तो 1.5 करोड़ क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया.
एसेट साइड नॉर्मल एसेट्स दिए, ठीक है। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपके पास फिक्स कॉस्ट पर एनम एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला है, कैन वी से इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट जो ये सिर्फ ऑपरेशन का फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेशन का फिक्स कॉस्ट है ये, समझा। फिर वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दिया है, जो रेशियो अपन निकाल रहे थे ना बार बार, वो रेडीमेड दिया है। तो अगर ये रेशियो दिया है तो बचा हुआ 35% क्या है, 35% बिकम्स पीवी रेशियो माय डियर फ्रेंड्स। कंसेप्चुअल क्लैरिटी समझ रही है आपको। फिर उसके बाद एसेट्स टर्नओवर रेशियो इज 2.5 टाइम्स। भाई एसेट्स टर्नओवर रेशियो सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, ये आपका 2.5 टाइम्स है। तो आप बताओ कि आपके पास टोटल एसेट्स रेडी है 20 करोड़ इंटू 2.5 कर दो, आपका सेल आ जाएगा। सेल्स इज इक्वल टू 2.5 इंटू 20 इज इक्वल टू 50 करोड़, ऑल ऑफ यू। एंड आपको नीचे इनकम टैक्स रेट दिया है 30%, ईपीएस निकालने बोला, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल कंबाइन लेवरेज निकालने बोला। बोलो कैसे आएगा, पहले इनकम स्टेटमेंट बना दो। सेल्स रेडी कर दिया आपने, वेरिएबल कॉस्ट अप्लाई करो 65%, बचा हुआ कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस करो फिक्स कॉस्ट 4 लाख, बचा हुआ ईबीआईटी, पहला लिवरेज आ गया ऑपरेटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। एवरीवन विद मी, तुम्हारा भी ध्यान है। देन ईबीआईटी में से माइनस करोगे इंटरेस्ट, एज आई टोल्ड यू 1.5 करोड़ का इंटरेस्ट आएगा बराबर, तो माइनस कर दो, मिलेगा ईबीटी, दूसरा लिवरेज आ जाएगा फाइनेंशियल बिकॉज ईबीआईटी बाय ईबीटी, समझे। और तीसरा तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, और आप कहां तक पहुंचे थे, ईबीटी तक पहुंचे थे। उसके बाद टैक्स पे कर दो, ईएटी आ जाएगा, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर लो, ईपीएस आ जाएगा। ऑल ऑफ यू देखो, 50 करोड़ निकाला, इनकम स्टेटमेंट बनाया, ईपीएस निकाला, तीनों लेवरेजेस इनकम स्टेटमेंट से बन गए। सबके आंसर मैच हुए, इनके आंसर में कोई मिस्टेक तो नहीं है, पक्का। नाइन्थ क्वेश्चन, अ वेरी वंडरफुल क्वेश्चन, एलडीआर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं होता, लास्ट डे रिविजन, इसको टच में रखना है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप सोच लो, जो सोचना है सोच लो, टच में रखो भाई, ठीक है। और बिल्कुल भी एग्जाम के पहले, जाने के पहले ये देख के ही जाना है, क्योंकि ये थोड़े हटकर क्वेश्चन होते। कितने लोगों ने इसको सॉल्व किया, करेक्ट भी आया, थोड़ा चेक करना पड़ा। ओके, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू वाई जेड, वेरी गुड, सब करेक्ट आया, नो मिस्टेक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। सेवेंथ क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया सर मैंने, ओके नो प्रॉब्लम एडी, सॉल्व नहीं किया बट तू सॉल्व किया कर, ठीक है। नाउ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू दिस कंपनी, इक्विटी शेयर 50 लाख रुपए बोला है और 10 ईच बोला है, क्या मिल गया, नंबर ऑफ शेयर्स। मैंने जानबूझ के मैं ये पढ़ते हुए आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझे एग्जाम में कि क्या क्या इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। देन बॉन्ड्स देख लो, इतने रुपीस के बॉन्ड है, 12% से इंटरेस्ट मिलेगा इस पर का। देन सेल्स दिया है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट दिया है, वापस से ये फिक्स कॉस्ट बन गया ऑपरेटिंग का फिक्स कॉस्ट। फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है आपको, पीवी रेशियो दे रखा है, इनकम टैक्स का रेट दे रखा है, कैलकुलेट ऑपरेटिंग लेवरेज, कंबाइंड लेवरेज, ईपीएस, शो कैलकुलेशंस अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, प्लीज फोकस। ये क्वेश्चन में आपको जहां पर फाइनेंशियल लेवरेज दे रखा रहता है ना, और इस तरीके से इंटरेस्ट दे रखा रहता है ना, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला, दो चीजें दे रखी है, फाइनेंशियल लेवरेज दे रखी है और इंटरेस्ट दे रखा है। बट इंटरेस्ट आपको बैलेंस शीट के जैसे दिया था, कि जैसे पिछले केस में बैलेंस शीट दी थी, ये देखो ये बैलेंस शीट दी है, ये इंटरेस्ट दिया है, आई एम श्योर कि यही इंटरेस्ट है बस, इसके अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट मेरे सामने है। बट आर यू श्योर कि इसके अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझा क्या मैंने क्या बोला,
आर यू गेटिंग द हिंट? जब आपको बैलेंस शीट दे रखी रहती है तो उस इंटरेस्ट के अलावा और कोई इंटरेस्ट हो ही नहीं सकता, बट जब इस तरीके का रैंडम इंफॉर्मेशन है तो डोंट रिलाई ऑन द केस कि इतना ही इंटरेस्ट है, इसके अलावा भी इंटरेस्ट हो सकता है क्योंकि इन्होंने फाइनेंशियल लिवरेज दिया है. तो फाइनेंशियल लिवरेज जब ऐसे दिया रहता है, बैलेंस शीट जब नहीं दी रहती है और इस तरीके से कोई इंटरेस्ट का इंफॉर्मेशन होता है तो डोंट थिंक कि आप फाइनेंशियल लिवरेज इज ईबीआईटी बाय ईबीटी, तो आप बस ये इंटरेस्ट लेस कर दोगे ईबीआईटी में से और ईबीटी निकाल लोगे और आगे बढ़ जाओगे. मतलब यू नो, या आपके पास ईबीआईटी आ गया, फाइनेंशियल लिवरेज रेडी है तो ईबीटी निकल जाएगा. नहीं, किसने बोला कि वो इंटरेस्ट एक मात्र इंटरेस्ट है? कंपनी ने और भी तो लोन लिया रहेगा सर. वो दिया रहता, वो लिया रहता था तो सर दिया रहता था यहां पर क्यों भाई? किसने बोला कि ये बैलेंस शीट है? ये रैंडम इंफॉर्मेशन है. तो दो क्वेश्चंस आपने लगातार सॉल्व किए, मैं दोनों को कंपेयर कर बता रहा हूं एग्जाम में क्या करना है. आर यू क्लियर? एग्जाम में अगर आपको बैलेंस शीट दी है, कैन यू रिलाई ऑन द इंटरेस्ट 100%? बट एग्जाम में बैलेंस शीट नहीं दी, रैंडम इंफॉर्मेशन दिया है, विल यू 100% रिलाई? नो, यू विल क्रॉस चेक. हो सकता है कि जो दिया है वही एक इंटरेस्ट है, बट हो सकता है कि नहीं भी हो. क्रॉस चेक करना चाहिए. सर क्रॉस चेक कैसे करें? मैं बताता हूं आपको, डोंट वरी. ठीक है, नाउ पीवी रेशियो दिया है, इनकम टैक्स दिया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज, ईपीएस. बोलो शुरुआत, जिसने भी सॉल्व किया रहेगा आप बोलोगे. माइक कहां पर पास कर दो. हेलो. यस बोलो सर. सबसे पहले मैंने पीवी रेशियो के फॉर्मूले से कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स सेल्स किया, उससे कंट्रीब्यूशन निकाला. सेल्स इनटू पीवी रेशियो किया तूने? पीवी रेशियो इनटू सेल्स किया. यस, तो 84 लाख. लो कैसे सब लोग, 84 लाख इनटू 27.55% करो. 23 लाख 14,200. एक काम करो ना, उन्होंने क्लियरली बोला शो कैलकुलेशन टू डेसिमल 23.14 देन कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करके मैंने ईबीआईटी निकाला. वेरी गुड. तो तेरा ये सेल्स है, ये कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट लेस कर ईबीआईटी निकाला तूने. यस, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया था 6.96 करेक्ट. 23.14 में से माइनस करो 6.96, 16.18 का ईबीआईटी आया. ईबीआईटी आया तो ईबीआईटी 16.18 आ गया. 18 आगे देन डीओएल का फॉर्मूला लगा के ईबीआईटी डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी किया. डीओएल का फॉर्मूला, तो तुमने डीओएल ढूंढा? हाँ, पहले डीओएल फाइंड आउट किया. फाइंड आउट किया कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी. ईबीआईटी इससे तुम्हें क्या मिला? डीओएल 1.43 टाइम्स. वेरी गुड. देन डीसी 1.43 टाइम्स. 43 सबका करेक्ट आया क्या? या जो भी निकाला नहीं रहेगा तो अभी कैसे पे निकालो ना. कंट्रीब्यूशन आपके स्क्रीन पर रेडी है 23.14 और वो बोल रहा है कि ईबीआईटी कितना आया था 16.18. इसी में से माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट 6.96 लाख. देयरफॉर ईबीआईटी 16.18 लाख. तो अब दोनों को डिवाइड कर लेंगे कंट्रीब्यूशन बाय दिस, तो 1.43 आ गया. यस, ओके. बाकी आगे क्या किया? देन मैंने कंबाइन लिवरेज निकाला जो कि डीओएल और डीएफएल क्वेश्चन में दिया है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके 2.1307 टाइम्स. जरूरत क्यों थी उसकी? अच्छा, पूछा था उन्होंने. पूछा था तो 1.43 और जो लिवरेज क्वेश्चन में दिया था 1.49, दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना था? 2.1307 टाइम्स. 2.13 टाइम्स आ गया. Yes. यहां तक आंसर सबका आया? यस. वेरी गुड. आगे देन सर मैंने डीएफएल का फॉर्मूला यूज करके ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी दोनों ईबीटी निकाला जो क्वेश्चन में डीएफएल दिया था 1.49 टाइम्स. सुनो भी अच्छे से, सुनो अच्छे से, ये एक्सीडेंट पॉइंट है. ये करेक्ट निकाला इसने, मगर तुम्हारे दिमाग में आ सकता है कि सर 16.18 ईबीआईटी है, सर ऊपर इंटरेस्ट है सर 37 लाख पर 12%, माइनस कर दो सर क्या मिलेगा? ईबीटी. नॉर्मली कोई भी यही सोचता है,
बट ये आंसर नहीं आएगा क्योंकि बैलेंस शीट दी नहीं थी, रैंडम इंफॉर्मेशन था। तो क्या करना चाहिए था फिर? डीएफएल के फॉर्मूले से, डीएफएल रेडी है, ईबीआईटी रेडी है, ईबीटी निकालकर ईबीआईटी और ईबीटी का बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट आएगा जो इस इंटरेस्ट से ज्यादा रहेगा। दैट एक्स्ट्रा इंटरेस्ट इज नथिंग बट अदर इंटरेस्ट। सर अदर इंटरेस्ट क्या रहेगा? कोई और लोन का इंटरेस्ट, समझे? एक्सीडेंट पॉइंट समझा? गलत आंसर कैसे निकल सकता है मैंने वो भी बताया, करेक्ट कैसे निकालना चाहिए और इधर ही क्यों ऐसा कर रहे वो भी बताया मैंने। प्रीवियस ऐसा कोई क्वेश्चन था क्या जिसमें हमने ईबीआईटी रेडी था, इंटरेस्ट के ऐसे इंफॉर्मेशन से ईबीटी निकाला था? ऐसा हमने पहले किया है क्या? सोच के बोलो। नहीं, सोच के बोलो। ईबीआईटी आ चुका था, इंटरेस्ट का ऐसा इंफॉर्मेशन यूज किया और ईबीटी निकाला। यस, ऐसा मैंने किया है, मगर उस क्वेश्चन में मुझे डीएफएल दिया नहीं था, डीएफएल पूछा था, समझे कि नहीं? या मुझे उस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी रहेगी, समझे क्या? जहां लिवरेज दिया है फाइनेंशियल वाला, और जहां पर ऐसा रैंडम इंफॉर्मेशन दिया है मगर बैलेंस शीट नहीं दी है, वहां पर डोंट डू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी, डोंट डू। फॉलो दिस व्हाट ही इज डूइंग। क्या करना पड़ेगा सर फिर? डीएफएल का फॉर्मूला लगा डीएफएल इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीटी। क्या रेडी है तेरे पास? DFL रेडी है और EBIT रेडी है। DFL और EBIT क्या मिल जाएगा? EBT मिलेगा। कितना आएगा? EBT 10.86 आएगा। yes. पहले वाला EBIT कितना था? 16.18 था। कैलसी लो सब लोग, 10.86 माइनस 16.18 करो, 5.32। क्या ये आपका इंटरेस्ट है? टोटल इंटरेस्ट है, समझे? अब जरा बॉन्ड पर का इंटरेस्ट निकालो, 37 लाख पर 12% 4.44, तो इसमें से 4.44 माइनस करो, 0.88 या अदर इंटरेस्ट आ गया। यस, ये टोटल इंटरेस्ट था। झेपा क्या? पूरा मेथोडोलॉजी समझा क्या? सर कंफ्यूज हो रहा है सर, ऐसा कुछ लग रहा है कि आपको? बहुत क्लियरली समझाया मैंने। जब आपको फाइनेंशियल लिवरेज दिया रहता है, रैंडम इंफॉर्मेशन दिया रहता है, डोंट डू ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी। जब आपको बैलेंस शीट दिया रहता है, बिंदास करो आप ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी, ठीक है? Yes. तो अब क्या किया बेटा आगे आपने? आपके पास तो ईबीटी भी आ गया है। देन मैंने ईपीएस निकालने के लिए पहले ईबीटी से माइनस टैक्स कर दिया, ये टैक्स रेट दिया था। Yes, माइनस कर दिया, ईएटी आ गया। ईएटी आ गया, ईएटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स 5 लाख लिए, 5 लाख लिए, तो मेरा रुपीस ईपीएस इज इक्वल टू रुपीस 1.30। बराबर, बहुत बढ़िया, एक नंबर। नाउ दैट इज योर आंसर, ठीक है? पूरा का पूरा आंसर रेडी 1.3 तक जरूर सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट, टेंथ वन बोलिए किसने सॉल्व किया? तुमने किया, वेरी गुड, पास करो। तुम्हारे पीछे क्या, डरो मत, तुम्हारे पीछे वाले ने किया। Yes, तो 10th क्वेश्चन बोलता है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर दिस कंपनी। पीवी रेशियो दिया है, ऑपरेटिंग लिवरेज दिया हुआ है, फाइनेंशियल लिवरेज भी दिया हुआ है, लोन का अमाउंट है, पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट बोला है। पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट क्या होता है भाई? टैक्स शील्ड के बाद टैक्स रेट दिया है, मार्केट प्राइस पर शेयर दिया है, अर्निंग पर प्राइस अर्निंग रेशियो दिया है। प्राइस अर्निंग रेशियो क्या होता है? प्राइस अर्निंग रेशियो को बोलते हैं पीई रेशियो। क्या बोलते हैं बोलो? पी रेशियो, जिसका फॉर्मूला जैसा नाम वैसा फॉर्मूला है, पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, एमपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। एमपीएस क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर। ईपीएस क्या होता है? अर्निंग पर शेयर। तो इसका फॉर्मूला बनेगा प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग, मतलब
एमपीएस बाय ईपीएस. ऑल ऑफ यू प्लीज राइट देयर पहले. ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड फाइंड आउट द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. ये भी आप अलग क्वेश्चन इसलिए एलडीआर मार्क कर सकते हो. फर्स्ट गो में पढ़ते साथ ही क्लिक नहीं होता है, करना क्या है बोलिए. आपने कैसे किया सर? फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट रेट दिया है ना, इसको प्री इंटरेस्ट टैक्स रेट करेंगे डिवाइड करके वन माइनस. क्यों? मगर क्योंकि अपने को बिफोर टैक्स डिडक्टेबल है, मतलब इंटरेस्ट टैक्स डिडक्टेबल है. प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ना नॉन टैक्स डिडक्टेबल है, तो अपने को टैक्स डिडक्ट करके दिया है, इसका मतलब प्री टैक्स चाहिए. तो जो भी दिया है इसको वन माइनस टैक्स रेट करेंगे तो अपने को प्री टैक्स इंटरेस्ट रेट आएगा. ये वन माइनस टैक्स करके दिया है? हाँ. तुझे उल्टा करना पड़ेगा, इसको डिवाइडेड बाय वन माइनस टी करना पड़ेगा. तुझे बिफोर टैक्स निकालना पड़ेगा. बिफोर टैक्स क्यों निकाल रहा है वो भी समझिए. जो रेट्स आपको आज तक दिए थे इंटरेस्ट के, वो कौन से थे? प्री टैक्स थे सर. कहीं पर भी दिया नहीं था. क्या था सर वो? ऑब्वियसली नॉर्मल रेट दिए रहते आपको. ये रेट क्या है? पोस्ट टैक्स है. ये कैसे आता है पहले समझो. दिस इज नथिंग बट आई इंटू वन माइनस टी करने से आंसर आपका 5.6% आया. समझा कि नहीं? तो मुझे अभी क्या निकालना है? मुझे नॉर्मल आय निकालना है. मेरा टैक्स का रेट कितना है? बोलो. ये है आपका आय इंटू वन माइनस 0.3 इज इक्वल टू 5.6. कैन यू टेल मी देर फोर आई इज इक्वल टू क्या करूं? 8%. इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 5.6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.3. इट कम्स टू 8%. 8% क्या है सर? नॉर्मल रेट है बेटा. 8% क्या है? नॉर्मल रेट है. आया क्या समझ में? तो प्री टैक्स को बना दिया नॉर्मल रेट, मतलब सॉरी पोस्ट टैक्स को बना दिया प्री टैक्स मतलब नॉर्मल रेट. अब क्या किया तुमने सर? लोन के अमाउंट दिए तो लोन की अमाउंट कहाँ है? 1,25,000. तो फिर लोन अमाउंट पे आपने इंटरेस्ट निकाला, 8% लगाया. यस. कितना मिला? 10,000. ये क्या आया? इंटरेस्ट का अमाउंट आया. वेरी गुड. फिर सर डीएफएल क्वेश्चन में गिवन है, तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज करके डीएफएल इज 1.5 इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट 10,000 इंटरेस्ट. देयरफॉर ईबीआईटी कितना आया बेटा? 30,000. आता है, चेक करो. वेरी गुड. ईबीआईटी आ गया. अब सर डीओएल का फॉर्मूला भी यूज करके कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल. डीओएल इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी मतलब 30,000. देयरफॉर कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 60,000. आंसर करते का आंसर समझ रहा है क्या? यस. तो कॉन्ट्रीब्यूशन तक भी आ गया. सर उसके बाद में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पूछा है, इसके लिए मैंने स्टेटमेंट बनाया पूरा और उससे मैंने ये जो फॉर्मूला आपने बताया कि मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स अपने को मिलते हैं, वो निकाल. वेरी गुड. और वैसे भी पी रेशियो पीवी रेशियो भी दिया था तो हाँ, सेल्स भी निकल गया आपका. हाँ. आप कॉन्ट्रीब्यूशन तक पहुंच चुके थे. सेल्स कैसे आएगा? 60,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 30%. सेल्स कितना था? 2 lakhs. इनकम स्टेटमेंट बनाओ. सेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर, फिक्स कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर बिकॉज ईबीआईटी 30,000 दिया है. इंटरेस्ट लेस करो 10,000 का ईबीटी आएगा. ईबीटी पर 30% टैक्स लगा दो, ईएटी आ जाएगा. ऑल ऑफ यू विद मी? प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, उस ईएटी को बुला लो एनआई. एनआई को डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके ईपीएस आएगा. बट नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स कैसे आएंगे आप बोले अभी सर. मार्केट वैल्यू की जो प्राइस दी है, मार्केट वैल्यू पर शेयर, हाँ, डिवाइडेड बाय द प्राइस अर्निंग रेशियो. ध्यान से सुनो, ये अभी ये पॉइंट दो एक्सेलेंट पॉइंट थे. एक वो प्री टैक्स पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट और दूसरा ये वाला पी रेशियो. एक्चुअली आपके सिलेबस में रेशियो एनालिसिस में आता है, अगले चैप्टर में भी आएगा, बट इधर भी आ गया.
सर ऐसे कैसे कहीं पर भी आ सकता है? अरे वो नॉर्मल रेशियो से, तो पीई रेशियो नाम जैसा वैसा फॉर्मूला, पी स्टैंड्स फॉर प्राइस, तो एमपीएस मार्केट प्राइस पर शेयर, ई स्टैंड्स फॉर अर्निंग, देयरफॉर ईपीएस। ओके, तो फॉर्मूला क्या बना, एमपीएस बाय ईपीएस। तो एमपीएस बाय ईपीएस कितना है, 10 times, कितना है 10 times है। तो आप बोलो अगर ये 10 है और ये 140 का मार्केट प्राइस पर शेयर है तो तुझे ईपीएस मिल जाएगा क्या? यस। कितना आएगा ईपीएस? 14 आएगा। ऑल ऑफ यू, और तुम्हारे पास नेट इनकम रेडी है ना, इनकम स्टेटमेंट में तुम कहां तक पहुंचे, ईएटी, नेट इनकम। नेट इनकम इज अर्निंग अवेलेबल टू ऑल शेयर होल्डर एंड दिस इज पर शेयर अर्निंग। कुछ समझा कि नहीं? अर्निंग अवेलेबल टोटल अर्निंग है और ये पर शेयर अर्निंग है, तो टोटल अर्निंग को डिवाइड बाय पर शेयर करने से नंबर ऑफ शेयर्स मिलेंगे। बिकॉज ईपीएस का फॉर्मूला क्या है, ईपीएस इज इक्वल टू एनआई डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तुझे ईपीएस पता है 14 है, तुझे टोटल अर्निंग पता है, बस तुझे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आपके? 1000 shares. नंबर ऑफ शेयर्स 1000 आए, समझे कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हो भाई साहब, ऐसे ही करना चाहिए। जबरदस्त तरीके से सॉल्व किया भाई। 11th क्वेश्चन पर आते हैं, अलग क्वेश्चन, चार प्लान वाला क्वेश्चन। किसने सॉल्व किया ये? देख के किया, देख के छोड़ दिया, किसी ने सॉल्व नहीं किया, आधा अधूरा किया। तुमने किया, पूरा सॉल्व किया? वेरी गुड, माइक पास करो। बोली, दिस कंपनी करेंटली हैज इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ रुपीज 1,30,00,000 कंसिस्टिंग ऑफ 30,00,000 इक्विटी शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स रेडीमेड गिवन टू यू। सर आंसर थोड़ा डिफरेंट है। कोई बात नहीं, डिफरेंट रहा तो और अच्छा है, अपन चेक करेंगे, ठीक है। द कंपनी इज गोइंग थ्रू अ मेजर एक्सपेंशन रिक्वायरिंग टू रेज फंड्स टू द ट्यून ऑफ 78,00,000। कंपनी को ये एडिशनल पैसा चाहिए, समझा क्या? टू फाइनेंस द एक्सपेंशन द मैनेजमेंट हैज द फॉलोइंग प्लान। फर्स्ट प्लान है कि पूरा का पूरा इक्विटी शेयर से इश्यू कर लो 7,80,000 शेयर्स, हर एक शेयर कितने में बेचोगे, 10 each। दूसरा प्लान है 5,20,000 इक्विटी शेयर्स बेचो 10 each से, इससे तो 52,00,000 आएगा, बैलेंस कितना बचेगा, 78,00,000 माइनस 52,00,000, 26,00,000। लॉन्ग टर्म बोरिंग कर लो 12% से, 26,00,000 पे 12% लगाओगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा 3,12,000 इंटरेस्ट। आर यू जेपिंग? फिर थर्ड प्लान बोलता है 3,90,000 इक्विटी शेयर इश्यू करो 10 each के, तो इससे तो फिर 39,00,000 आ जाएगा, जैसे इधर 52 आया था। तो फिर आगे क्या बोले उन्होंने, एंड 39,009% डिबेंचर्स ऑफ 100 each। तो यहां पर भी 39,00,000 रुपीज के शेयर तुमने डिबेंचर इश्यू किए, तो इंटरेस्ट कितना आएगा, 39,00,000 पे 9%, 3,51,000 का क्या आएगा, इंटरेस्ट। ऑल ऑफ यू इस प्लान का इंटरेस्ट है। फोर्थ प्लान, इशू 3,90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, मतलब वापस से 39,00,000, बैलेंस मतलब वापस 39,00,000 होता है ना, 78 में से 39 गया तो बैलेंस विल बी 39 थ्रू 6% प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड विल बी 39,00,000 इंटू 6%, 2,34,000। दिस विल बी योर प्रेफरेंस डिविडेंड अंडर फोर्थ प्लान। ईबीआईटी ऑफ द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी 52,00,000 पर एनम। ईबीआईटी कंसिडर कॉर्पोरेट टैक्स एज 40%। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ईपीएस अंडर ईच ऑफ द प्लान एंड असर्टन द फाइनेंशियल लेवरेज इन ईच प्लान एंड कॉमेंट। बोली बेटा आपने क्या किया, जैसे हमने बोला वैसे नहीं किया क्या, इंटरेस्ट प्रेफरेंस डिविडेंड? सर न्यू इशू था ना उसके साथ निकाल दी ईपीएस, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में न्यू इशू के साथ। ऑब्वियसली वो करना ही था तुमको, तुम्हारा आंसर बोलो, डोंट वरी।
सर ईबीआईटी अपने को गिवन था, चार प्लान है दोस्तों, ध्यान से सुनो, सब लोगों के माइंड में आंसर चलना चाहिए, मेरे साथ जितने भी लोग हैं यहाँ पर ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, ठीक है, सबके माइंड में आंसर चलना चाहिए, सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स चार प्लान, रेडी हुआ फॉर्मेट, ओके, फर्स्ट थिंग व्हाट शी इज सेइंग, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी सब जगह सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है मतलब एक्सपांशन के बाद है, ठीक है, फिर क्या करोगे आप, फिर इंटरेस्ट बस प्लान टू और प्लान थ्री में आएगा, फर्स्ट और फोर्थ में नहीं आएगा, फर्स्ट और फोर्थ में इंटरेस्ट नहीं आएगा बिकॉज डेट डी इशू किया ही नहीं, सिर्फ सेकंड और थर्ड में आएगा क्योंकि वहां पर अपन ने इंटरेस्ट निकाला है 312,000 एंड 352,51,000, तो एक मिनट रुको, ये देखो चारों का ईबीआईटी और दो जगह जो है, सॉरी वो नहीं है, आंसर इन्होंने नीचे इधर निकाला है, चारों का ईबीआईटी ओके, और ये दो जगह का इंटरेस्ट, आर यू क्लियर, क्या मिला बोलो अभी तक, फिर ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल्स ईबीटी, हाँ, फिर ईबीटी माइनस टैक्स एट द रेट 40%, तो हर प्लान में ईबीटी आ गया था, हर प्लान में 40% चार्ज करके, हाँ, क्या मिला आपको, इंटरेस्ट सॉरी टैक्स, हाँ, फिर बचा हुआ क्या है ईएटी, फिर डिविडेंड बस प्लान 4 में आएगा, एक मिनट, ईएटी चारों प्लान में आ गया, हाँ, कैसे आया, ईबीटी पर 40% टैक्स लगा के आया, अब क्या बोल रहे आप, डिविडेंड बस प्लान 4 के साथ आएगा, एग्जैक्टली, डिविडेंड सिर्फ प्लान 4th में आएगा, कौन सा वाला, प्रेफरेंस डिविडेंड, कितने अमाउंट का, 2,34,000 का, अब जो बचेगा चारों प्लान में उसको आप एनआई बुलाओगे, हाँ, यस सर, तो ये देखो तुमने ईबीटी निकाला, तुमने टैक्स लेस किया, तुमने ईएटी निकाला और प्रेफरेंस डिविडेंड एक ही जगह लेस कर तुमने हर जगह क्या निकाल लिया, एनआई, समझे कि नहीं, एनआई आने के बाद क्या किया तुमने, ईपीएस इज इक्वल्स टू एनआई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, EPS divided by EPS is equal to NI divided by number of shares. Number of shares क्या किया? Sir, new और existing जितना था दोनों को add करें. Exactly. ये एक accident point था. New shares तो लेना ही था भाई. हर एक plan में new shares. जैसे कि पहले plan में नए shares कितने? 7,80,000. Second plan में कितने? 5,20,000. Third plan में कितने? 3,90,000. Last plan में कितने? 3,90,000. But इनके अलावा भी तो कंपनी के पास ऑलरेडी 13,00,000 के शेयर्स थे ना, यस सर, 13,00,000 नंबर ऑफ शेयर्स थे, हाँ, ऑल ऑफ यू, यस, तो हर एक प्लान में एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स भी आएंगे, लास्ट बेंच उधर, भाई साहब कल से इधर बैठा करो, ठीक है, तो हर एक प्लान में नंबर ऑफ शेयर्स भी आएंगे, कौन से वाले, एग्जिस्टिंग भी आएंगे और प्रपोज्ड भी आएंगे, तो फिर उससे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे, एनआई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करके ईपीएस आएगा, फिर डीएफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1/t, परफेक्ट, डीएफएल यही फार्मूला से आएगा, यस, बट डीएफएल का ये फार्मूला सिर्फ फोर्थ प्लान में अप्लाई होगा जहां पे प्रेफरेंस डिविडेंड है, पहले तीन प्लान में फार्मूला क्या यूज करोगे मैडम, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, समझे कि नहीं, यस, तो फिर चारों प्लान में फाइनेंशियल लिवरेज भी आ जाएंगे, ईपीएस तो आ ही गया, हमें यहां पर एक एक्सीडेंट पॉइंट क्या मिला, नंबर ऑफ शेयर्स में क्या लेना था, एग्जिस्टिंग भी लेना था और न्यू भी लेना था, और न्यू भी लेना था, आर यू गेटिंग, और सिर्फ फोर्थ प्लान में वो नया वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला, बाकी सब जगह प्लान का डीएफएल का फॉर्मूला विल बी ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी, क्यों सर, एक ही केस में ऐसे, एक ही क्वेश्चन में ऐसा क्यों कर रहे अपन, क्योंकि पहले तीन प्लान में प्रेफरेंस डिविडेंड ही नहीं है, लास्ट प्लान में, जेपा क्या समझा क्या एकदम अच्छे से, 12th क्वेश्चन किसने ट्राई किया है, बोलोगे, बोलो, माइक ले लो आगे, आपको 13 दू, ठीक है, 12th क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ लेता हूं, from the following information related to Navya Company Limited for the year ended 31st March 2023, equity shares cap, क्या लिखा है, 65,50,000 और number of shares है 10 each, sorry 10 each अगर face value है, तो number of shares कितने, 6.55 lakhs number of shares, correct taking, then bond है 12% का और ये value है, interest बोलो, इंटरेस्ट बोलो, 7,30,09,68, 7,30,09,68,
68 ओके ये आ गया इंटरेस्ट ये आ गया शेयर्स ठीक है समझा देन सेल्स दिया है फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट बोला मतलब ऑपरेशन का फिक्स कॉस्ट है फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दे रखा है इनकम टैक्स रेट एप्लीकेबल दे रखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग कंबाइंड लिवरेज ईपीएस निकालने बोला एकदम ईजी है बोलो क्या किया आपने सेल्स माइनस वेरिएबल किया फिर कॉन्ट्रीब्यूशन आया सेल्स माइनस वेरिएबल कहां से आया तेरा वेरिएबल सेल्स पे तूने पीवी रेशियो लगाना चाहिए ना पीवी रेशियो लगा के मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन निकाला बैलेंसिंग फिगर तूने वेरिएबल ऐसा बोल रहे भाई मतलब मैंने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट अरे सेल्स पे पीवी रेशियो लगा लो कैसी 111 इनटू 25% 27.75 कॉन्ट्रीब्यूशन आया बैलेंसिंग फिगर आपका वेरिएबल कॉस्ट रह सकता है कॉन्ट्रीब्यूशन तक पहुंचे माइनस किया तुमने फिक्स कॉस्ट कितने का माइक में बोलो 7,15,000 क्या मिला ईबीआईटी फिर क्या किया इंटरेस्ट माइनस किया इंटरेस्ट 7,30,968 का जो अपन ने निकाला था 7,30,968 का इंटरेस्ट माइनस किया ईबीटी आया 39,87,10 तो बचा हुआ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया करेक्ट और फिर नंबर ऑफ शेयर्स अपने पास रेडी है ईपीएस आ जाएगा और तीनों लिवरेजेस भी एकदम दोनों लिवरेजेस भी आसानी से आ जाएंगे ऑपरेटिंग पूछा कंबाइंड पूछा फाइनेंशियल दिया था आपको अब सुनो अच्छे से इस क्वेश्चन में सर ऐसा हो सकता था कि जैसे आपने उस क्वेश्चन में किया था यस हो सकता था बट है नहीं तो इसीलिए जो वो कर रहा है वो सही है तो एक्चुअली ये जो कर रहे ये सही है कोइंसिडेंस से सही आया इधर चेक क्या करना चाहिए सर फिर DFL मैच होता है क्या कैसे चेक करते सर EBIT डिवाइड बाय EBT करके देखिए आता है क्या जो गिवन DFL है वो अगर आ रहा है मतलब तू सही है नहीं आ रहा है मतलब वो एडजस्टमेंट है अदर इंटरेस्ट वाला फिर कैसे सॉल्व करेंगे सर DFL इज इक्वल टू EBIT बाय EBT करो DFL रेडी है EBIT रेडी है EBT ढूंढो और EBT ढूंढने के बाद बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट रहेगा सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि ये क्वेश्चन में भी ऐसा हो सकता था बिकॉज इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया नहीं था और फाइनेंशियल लिवरेज दिया था आर यू वेरी क्लियर क्लैरिटी एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए कंफ्यूजन नहीं चाहिए कोई भी हद तक लास्ट क्वेश्चन 13th द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइज फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कौन बोलेगा पीछे पास कर दो माइक Following information is provided to this about this company. Selling price per unit, variable cost, break-even point. You are required to calculate the operating leverage at sales volume of 37,500 and 45,000 units. Can we say ये notes के question similar question है ये? Similar क्या number change है? बोलो. Sir पहले sales volume sales प्राइस इनटू सेल्स वॉल्यूम करेंगे जो 37,500 वॉल्यूम दिया है इनटू 21 पर यूनिट करेंगे उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे और उसके बाद हम फिक्स कॉस्ट निकालेंगे बीईपी इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपने पास सेल्स पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बीईपी दिया है और कंट्रीब्यूशन कितना दिया है 30,000 यूनिट्स is equal to fixed cost divided by contribution कितना है per unit selling price per unit minus variable cost per unit correct है कि नहीं 21 minus 13.5 तो कितना आया fixed cost 2,25,000 very good guys एक number contribution minus fixed cost EBIT आ जाएगा और DOL equals to contribution divided by EBIT और उससे DOL आ जाए बहुत ही जल्दी आ गया सब समझा क्या आपको फिक्स कॉस्ट निकाल लिया था आपने ब्रेक इवन पॉइंट फॉर्मूले से अच्छा मुझे ब्रेक इवन फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं क्या करूं ब्रेक इवन फॉर्मूला याद नहीं है मुझे ये वाला फॉर्मूले से एलर्जी है सपोज कोई बात नहीं तुम ब्रेक इवन पॉइंट 30,000 पे इनकम स्टेटमेंट बनाओ 30,000 इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट 21 लो कैलसी पे 30,000 into 21
6,30,000. अब सेम चीज वेरिएबल कॉस्ट करते तो 13.5 × 30,000 4,05,000 दोनों का डिफरेंस निकालना है. आ गया 2,25,000. क्या समझे आपको? एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज जीरो. मीन्स एट ब्रेक इवन पॉइंट कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू ईबीआईटी. समझा कि नहीं? ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट आता है क्या? नहीं. तो नीचे ईबीआईटी कितना आना चाहिए? जीरो. तो जितना कॉन्ट्रीब्यूशन आया उतना ही फिक्स कॉस्ट आना चाहिए ना. यस yes. तो फिर मेरा फिक्स कॉस्ट आ जाएगा फॉर्मूला यूज किए बगैर. और ये फिक्स कॉस्ट में क्या करूंगा? 37,500 एज वेल एज 45,000 यूनिट्स पर यूज करूंगा. क्योंकि यूनिट्स बढ़ाने से फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता जब तक वो लोग बोलते नहीं तब तक. करेक्ट. तो फिर सेल्स सब जगह निकाल लिया, वेरिएबल कॉस्ट सब जगह निकाल लिया, कॉन्ट्रीब्यूशन सब जगह आ गया, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रखेंगे 2,25,000 सब जगह आ जाएगा ईबीआईटी. सब जगह मतलब दोनों जगह 37,500 एंड 45,000 पे आपका ईबीआईटी भी आ गया, कॉन्ट्रीब्यूशन भी आ गया, तो ड्यूएल आ जाएगा. यस. तो आई होप कि ये सबका करेक्ट आया हो. 5 times 3 times. इनफैक्ट क्लास का आंसर भी 5 times 3 times था. अपने क्लास में सेम क्वेश्चन सॉल्व किया था. ब्रेक इवन पॉइंट था अपना 2000 यूनिट्स और पूछा था लेवरेज आपको 2500 एंड 3000 यूनिट्स पर. याद आया क्या? सो एज आई प्रॉमिस्ड यू कि आज आपका लेक्चर 5:45 को ऑलमोस्ट हम लोग एंड करेंगे. देखिए वंडरफुल आंसर. आपने भी बहुत बढ़िया आंसर दिए भाई, सबने बहुत सही आंसर दे रहे हो. ठीक है भाई, आपके लिए बहुत अच्छा लगा. माइक ऑफ कर दो अभी और ध्यान से सुनना सब लोग. सब लोग ध्यान से सुनो अभी, ठीक है? आज का टेक अवे एक स्टोरी फॉर्म में मैं आपको बताता हूं. स्टोरी एक बताऊंगा आपको, स्टोरी शुरू करने के बाद खत्म हो जाएगी और आपको समझेगा भी नहीं कि खत्म हो गई कि यार क्या ये स्टोरी था क्या सर. बट उससे फिर एक हमें चीज सामने आएगी हमारे, वो बात करनी है. तो सुनिए अच्छे से. एक छोटा सा गांव होता है जिसका पॉपुलेशन हार्डली 200-300 लोग होते हैं. 200-300 फैमिली नहीं बना लोग. तो ऐसे छोटे से गांव में बहुत पुराने जमाने की बात है ऑलमोस्ट, जहां पे लोग शिकार करके अपना पेट भरते थे वैसे टाइप में. वहां पर वो जो गांव था वो बिल्कुल नदी किनारे था. जो मैं बोल रहा हूं सब विजुलाइज करना है आपको, ठीक है? और वो गांव में बहुत अच्छे से लोग, सब लोग खुश रहते थे, सब अच्छा था. सडनली एक दिन पड़ोस की जो ऐसे ये क्या बोलते हैं नदी थी, उसमें फ्लड्स आ गए और ये पूरा गांव का गांव बह गया. इस गांव में काफी लोगों की मौत हो गई, काफी फैमिलीज डिस्ट्रॉय हुए और एक फैमिली थी जिसमें से मतलब अपने मतलब हस्बैंड वाइफ यूज्ड टू लिव विद देयर फादर एंड एक उनका बच्चा था, ठीक है? हस्बैंड वाइफ एक्सपायर हो गए, मतलब अब बचा फैमिली में डायरेक्टली दादाजी और पोता, समझे? अब ऐसा हुआ कि स्टार्ट में तो बहुत नसीब को कोसा दादाजी ने, क्योंकि पोता जो था वो हार्डली 3-4 years का था, ओके? और दादाजी बोले कि यार ये गलत एज में गलत चीज हो गई, बट अब क्या करें, जो भी है जिंदगी तो है, अभी चलना तो पड़ेगा आगे. अब होता ऐसे था कि जैसे ही ये इनकी मौत हो गई, इसके बाद इस पोते को खाना खिलाने से लेके इसकी देखभाल करने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो दादाजी पर आ गई, ठीक है? तो दादाजी ने क्या किया, फिर उसको बहुत अच्छे से पाला पोसा. कुछ दिन चले गए, 2 महीने वगैरह हो गए. एवरी डे व्हाट वाज द रूटीन वाज, 5 बजे सुबह उठो, 5:30-6 बजे के आसपास जैसे उजाला हुआ, यहां पर ये जो घर रहता है इसको बाहर से ऐसे कुछ लॉकिंग का सिस्टम तो नहीं था उस वक्त, बट ऐसा कुछ लकड़ी वगैरह अटका दो कुछ और निकल जाओ शिकार पर, और 10 बजे के आसपास आ जाओ शिकार कर फिर वो लकड़ी से जो भी दरवाजा लॉक किया था उसको खोलो और फिर अंदर पोते को देखो सब ठीक है क्या, और फिर अपना जो शिकार लाया था उसे पकाओ और खाओ. एवरी डे रूटीन वॉज दिस. वन फाइन डे व्हाट हैपेंड कि ये जो दादाजी है ये उठने के वक्त
वो पोता ऑलरेडी उठा था और वो देख रहा है कि अरे दादाजी कहीं तो जा रहे हैं, तो ये डर गया और वो बोला मैं भी साथ में आऊंगा। दादाजी बोले नहीं बेटा नहीं आ सकता ये वो, बोले नहीं नहीं मैं भी आऊंगा मैं भी आऊंगा, जिद करने लगा। उसको सुलाते सुलाते इतना टाइम हो गया कि वो सोने को ही तैयार नहीं था और आगे टाइम बीतता जा रहा था और ऑब्वियसली दिन आगे बढ़ रहा है, खाने को कुछ नहीं है, टेंशन हो रहा है। दोपहर हो गई, बच्चा छोड़ने को तैयार नहीं है दादाजी को, दादाजी टेंशन में कि अब कब शिकार पकड़े कब वापस लाए, और दादाजी वो बच्चे को भी साथ में इजीली नहीं ले जा सकते बिकॉज वहां पे जंगल में शिकार करते हो, किसी जानवर ने इस बच्चे पर अटैक किया तो सब दुविधा में दादाजी टेंशन में थे। बट जैसे 3 बजने लग गए दोपहर के तो उनको टेंशन आ गया कि अब खाएंगे क्या, तो बोले चल साथ में। तो दादाजी बच्चे को लेकर गए, नदी पार किया, जंगल में गए और जंगल के बीच में शिकार होता है वहां तक पहुंचे जैसे तैसे। बहुत टेंशन में थे दादाजी, रास्ते भर में टेंशन में थे ये सोचकर कि अब क्या होगा। देखते देखते शाम को 5-6 बज गए और रात का अंधेरा गिरने लग गया। जैसे जैसे जंगल के बीच में पहुंच रहे हैं बच्चे को मजा आ रहा है, बच्चे ने पहली बार घर के बाहर निकला राइट फ्रॉम दैट क्रॉसिंग रिवर, उसको मजा आया कि यार रिवर ये बोट है, हम लोग आगे जा रहे मैन्युअली, दादाजी ढकेल रहे उसको। और उस टाइम पे क्या एक प्लेटफॉर्म हुआ करता था, प्रॉपर बोट नहीं हुआ करती थी, प्लेटफॉर्म हुआ करता था। तो प्लेटफॉर्म पे बैठे दोनों और दादाजी ढकेल रहे उनको, उसको मजा आ रहा है, थोड़ा हाथ में ऐसे पानी वानी लगा रहा है, बहुत एंजॉय कर रहा है। दादाजी टेंशन में आ रहे हैं कि यार जाएंगे कब, आएंगे कब, शिकार कब मिलेगा सब कुछ। रात होने लग गई जंगल के अंदर और आगे जाते जाते मूनलाइट वगैरह गिर रहा है, बच्चे को और मजा आ रहा है, बीच में से लाइट गिर रहा है, क्या सीन है, सब जगह पेड़ 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 है पूरे और अलग अलग आवाजें आ रही है। और दादाजी को उतना ही टेंशन हो रहा है कि रात गिर रही है, मून है, अभी सनलाइट तो खत्म हो गया, अब डार्कनेस आ रहा है, अब क्या होगा। और वो फास्ट चल रहे बच्चे का हाथ पकड़कर, बच्चा कहीं पे डाली पे वगैरह कूद रहा है और दादाजी फास्ट फास्ट चल रहे हैं, उनके पैर को डाली लग रही है, कहीं से खून आ रहा है। ये सीन पूरा चल रहा है, एंड तक बीच तक गए दादाजी जंगल के, बच्चे को एक डाली पे बैठाया, जैसे तैसे शिकार किया। जब वो बच्चा डाली पे बैठ रहा था तब फुल एंजॉय कर रहा था, एकदम हाइट पे बैठा है, और यहाँ पर दादाजी फुल टेंशन में शिकार कब मिलेगा, कब पकड़ेंगे, क्या होगा। जैसे तैसे शिकार को पकड़ा अपने कंधे पे, शिकार एक हाथ में पोता लेकर वापस गांव की तरफ। पूरा जंगल क्रॉस करते वक्त दादाजी को पसीना आ रहा है, ये सोचकर कि ये मरा हुआ जानवर जो मेरे कंधे पे, इसके स्मेल से बाकी जानवर नहीं आना चाहिए इधर और हम पे अटैक नहीं करना चाहिए। और दादाजी के साथ वो जो पोता है जिसका हाथ दादाजी पकड़कर चल रहे, एक तरफ खून आ रहा है दादाजी के पैर से, इस तरफ दूसरी तरफ वो बच्चा मस्त एंजॉय कर रहा है, कूद रहा है, बोल रहा है इतनी रात क्या मस्त लग रहा है, सीन ही अलग है ना। और फिर देखते देखते वो नदी के पास पहुंचे, नदी के पास पहुंचे, वो प्लेटफॉर्म पर जानवर को रखा, खुद दोनों बैठे और नदी क्रॉस करने लग गए। इस वक्त तो सीन ही पूरा अलग था क्योंकि जो मून था उसकी लाइट वाटर में गिर रही थी और बच्चे को पूरा अंधेरा और वो जाते हुए इतना मस्त लग रहा था। दूसरी तरफ दादाजी सोच रहे कि ये जानवर यहाँ पड़ा हुआ है मरा हुआ, कहीं से कोई क्रोकोडाइल वगैरह ना आ जाए और हमको खाना जाए साथ। देखते देखते वो नदी क्रॉस किए और अपने घर पहुंचे, स्टोरी खत्म है। अब ये स्टोरी में आपको क्या मॉरल लग रहा है बोलो। दोनों ने सफर किया, सफर इज ट्रैवल, कि इंग्लिश वाला सफर, अच्छा ट्रैवल किया दोनों ने, बट एक ने बहुत एंजॉय किया और दूसरे ने टेंशन में किया, एक जिम्मेदारी के बोझ में था और एक को कोई जिम्मेदारी नहीं थी, उसको डर मतलब पता नहीं था, कभी ऐसा देखा ही नहीं था कुछ। दादाजी बहुत टेंशन में था, जो बच्चा था वो टाइम को एंजॉय कर रहा था। अच्छा इस सब को आप आपके साथ रिलेट कर सकते हो कुछ, आप सब लोग सीए कर रहे हो, आप सब लोग सीए कर रहे हो, और तुम में से कोई दादाजी जैसा कर रहा है और कोई बच्चे जैसा कर रहा है। एग्जैक्टली मैं आपको यही बताना चाहता था कि सीए करना तो सबको है, यहां से जर्नी शुरू हुई है, घर से निकलने तक, जंगल तक जाने तक, वापस शिकार करके आने तक की जर्नी, मतलब ही आपके फाउंडेशन से इंटर, इंटर से फाइनल और फाइनल से सीओपी, सर्टिफिकेट ऑफ मेंबरशिप, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस या वॉट एवर मेंबरशिप तक, ये जर्नी सब लोग क्रॉस करने वाले हैं। बस आपको सोचना ही है कि आपको वो दादाजी बनकर टेंशन में रहना है हर बार, या वो बच्चे जैसा खुशी खुशी अपना सफर
पूरा करना है. रिमेंबर वन सेंटेंस, यू विल ऑलवेज रिमेंबर, नॉट नाउ बट आज से 10 साल 15 साल बाद ना ये स्टेटमेंट मेरा याद आएगा आपको. ऑलवेज रिमेंबर दोस्तों, डेस्टिनी कभी भी एंजॉयबल नहीं होती है, जर्नी एंजॉयबल होती है. आप सीए बन जाओगे ना, बिलीव भी उधर कुछ नहीं है, उधर बस आपको एक डिग्री मिलने वाली है, फिर सर कर क्यों रहे. ये पूरा जर्नी जो क्रॉस होगा ना, ये एंजॉय करना है आपको. उस एक दिन वो कन्वोकेशन से पहले स्टेशन होगा आपका, आप उधर बैठे रहोगे, उससे पहले कम से कम 50 लोगों ने आपको पूछ लिया रहेगा आगे जिंदगी में क्या करेगा, क्योंकि उसके 5 दिन पहले तुम सीए बने हो. बस समझ रहे हो सीए बनने के बाद का क्या सीन है, मगर अभी से सीए बनने तक का सीन जो है ना, ये आपकी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन है दोस्तों. इसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ो. एंजॉय करने का मतलब क्लास बंक करेंगे क्या? एंजॉय करने का मतलब है यहां पर पार्टिसिपेट करो. द वे यू आर आंसरिंग, आई इंसिस्ट सब लोग आंसर्स करो. द वे यू आर पार्टिसिपेटिंग, आई इंसिस्ट सब लोग करो. ये जो क्वेश्चनियर था कल रात, मैंने ऑलमोस्ट 7 बजे बोला सॉल्व करने के लिए. आपके पास 2 चॉइस थे दोस्तों. छोड़ यार, सर को समझता क्या, 13 क्वेश्चन भेज दिए सॉल्व करने के लिए. पॉसिबल है क्या? कल वापस संडे को भी क्लास रखा है क्या? हमारी जिंदगी नहीं है क्या? एटीट्यूड 1 दादाजी वाला. एटीट्यूड 2 बैठ यार सॉल्व करते, तू तेरा सॉल्व कर, मैं मेरा सॉल्व करूंगा, बाद में एंड में क्रॉस चेक करेंगे किसका जल्दी हुआ और किसका करेक्ट आया. और अपना अपना सॉल्व कर रहे हो और अगले दिन चलो कोई फ्रेंड नहीं है, तुम अकेले बैठे हो. सपोज तुम हॉस्टल लाइट नहीं हो, तुम लोकल लाइट हो, भाई तुम अकेले खुद के घर बैठ कर ये सब कर रहे हो, तो एक बात समझ लो कि चल यार बैठते सॉल्व करते 13 तो क्वेश्चन यार ऐसे ही हो जाएंगे, और जो नहीं आएगा अगले दिन सर समझा देंगे. यार करना इंपॉर्टेंट है, चैप्टर हो चुका है. सर की एक्सपेक्टेशन है कि हम कर सकते हैं, तो हम खुद से क्यों नहीं एक्सपेक्ट करते कि हम सच में करना चाहिए. मेक द मोस्ट ऑफ दिस जर्नी फ्रेंड्स. रिमेंबर डेस्टिनेशन इज नॉट एंजॉयबल, जर्नी इज एंजॉय. आई होप यू विल इंप्लीमेंट दिस इन योर लाइफ एवरीबॉडी. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू. चलिए तो फिर यहां का लेक्चर आज ही क्लोज करते हैं और कल मिलते हैं. अगला चैप्टर रहेगा कल, 3rd चैप्टर रहेगा कैपिटल स्ट्रक्चर. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू.